चलो भागो भागो यहाँ से, चलो उतर निकलो, चलो चल 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 जल्दी कर, चल निकाल तक। सारे निकल गए और ये सो रहे। ए, ए, कौन है बे, उठ उठ बे। गांव आ गया क्या? गांव नहीं आया है, हम लोग आए। तुम लोग कब आए? हमें आए हुए बहुत समय हो गया। निकाल चल निकाल, अबे निकाल निकाल। ओके 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 ना। हेलो, एक मिनट। क्या है? मेरे पास जो कुछ भी था तुमने ले लिया, लेकिन एक चीज तो लेना तुम भूल ही गए। वो क्या है? नो, कहीं भी मार लेना, लेकिन यहां मत मारना। वो क्यों? इसलिए। क्या माँ? अभी अच्छा सपना देख रहा था, आपने डिस्टर्ब कर दिया। क्या सपना देख रहा था बेटा? हाँ क्यों, किस दुनिया में हैं आप? अरे बेटा, तेरे सपने में आई हुई लड़की मेरी बहू कब बनेगी क्या पता। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ये सब छोड़, चल बता तेरे सपने में कौन लड़की आई थी। वो माँ, आपने एक लड़की की फोटो दिखाई थी ना, क्या नाम था उसका? रेखा। रेखा? हाँ। उसने तो कहा था जब तक उसका कोर्स खत्म नहीं हो जाता तब तक वो शादी नहीं करेगी ना। ओ छोड़ो माँ, मेरे लिए कोई ना कोई लड़की तो कहीं ना कहीं जरूर पैदा हुई होगी जो मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे भी उसी लड़की को देखने का इंतजार है बेटा, जल्दी से जल्दी उसे ले आ। गुलबर्गा, बिरजापुर, बिल्लारी, फुनसुरु, छोटा मंगलूर, मंगलूर, मैसूर, दावनगिरी, निरूरू, रानी बेंगलुरु। पापा, दूध वाले का कितना बाकी है, गिनती कर रहे हैं? दूध का बाकी नहीं है, अब तक तेरी शादी के लिए कितनी लड़कियों को मैंने देखा है उनकी गिनती कर रहा हूँ। मतलब मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं उन लड़कियों की दीवार पर लकीर बना रहे हैं। या आपको डैडी बुलाने में इस बॉडी को शर्म आ रही है? आप पापा नहीं, सबसे बड़े विलन दिख रहे हैं, अमरीश पुरी। अमेरिका कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का रास्ता प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने खोल दिया। शंकर, क्या क्या है बे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा जब मैं ऑफिस जाऊं तो बिल्ली की तरह रास्ता मत काटा करो। जिसने तुझे पैदा किया उस महान व्यक्ति को तू उसका नाम शंकर कहकर बुलाता है, ओके। विलन कहता है, ओके। लेकिन बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, ये सब भी कहकर बुलाता है तू मुझे, यही संस्कार है क्या? तुमने जो किया वो सही है क्या? मैंने क्या किया? तुम गौड़ा हो ना? तो तुम्हें पूरे गांव में एक गौड़ा लड़की नहीं मिली क्या? तुम्हें सिर्फ ब्राह्मण लड़की से शादी करनी थी क्या? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। अरे वो लव है। ओ, लव करने के लिए पर्सनालिटी तो देखो। मेरी पर्सनालिटी को क्या हुआ? एक जमाने में सब लोग मुझे शाहरुख खान कहकर बुलाते थे, पता है? रूखा हुआ खान बोला होगा उन्होंने, तुम्हारे कान में शाहरुख खान सुनाई दिया होगा, बुद्धू कहीं के। मुझे बुद्धू कहता है? सबका कारण यही है मम्मी। मैंने क्या किया? आगे क्या होगा इसकी परवाह ना करते हुए आपने एक ब्राह्मण लड़की के साथ शादी कर ली, अब यही समस्या मेरी शादी में हो रही है। क्या हुआ है? माँ की तरफ से अगर मैं ब्राह्मण लड़की देखने जाता हूँ तो कहते हैं तुम्हारे पापा गौड़ा है,
तो एक गोड़ा खानदान की लड़की देखकर शादी कर लो, और अगर तुम्हारी तरफ जाकर लड़की देखते हैं तो कहते हैं तुम्हारी माँ तो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण लड़की बहुत ही अच्छी होती है, ब्राह्मण लड़की से शादी कर लो। अब कहाँ जाकर लड़की ढूंढू, लव किया आपने और फुटबॉल मैं बन गया हूँ। दिस ब्लडी इंडियन माँ, इनसे कहो चुप रहे। अरे चुप हो जाइए ना बेटा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना, कॉफी पियो। मैं तो ऑफिस ही जा रहा था, ये बिल्ली की तरह रास्ता काट गए मेरे लिए। अगर ऑफिस में कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो ऑफिस से आने के बाद मैं तुम्हें उल्टा लटका है? दूंगा। बीवी का गुलाम। बीवी का गुलाम, ए, देख ले तेरा बेटा अपने बाप को बीवी का गुलाम कह रहा है। चलता हूँ माँ, चलता हूँ बीवी का गुलाम। बीवी का गुलाम मतलब अभी तुम्हारे पापा दीवार पर लाइन ही खींच रहे हैं। हाँ सर, लड़की पसंद आए तो कुंडली नहीं मिलती, अगर कुंडली मिल गई तो लड़की पसंद नहीं आती। अरे हाँ यार, तुमने बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस भी लड़की की हमारे साथ शादी होगी, पता नहीं वो कहाँ आम की गुठली चूस रही होगी या फिर कहीं खो खो खेल रही होगी, और अगर इनमें से कुछ भी मुमकिन नहीं हुआ ना तो वो जरूर किसी चाय की दुकान पर हमारा इंतजार कर रही होगी। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस। अरे दूसरा हाथ भी मिलाओ। किस लिए सर? तुम्हें इस बैंक से बाहर निकाल रहा हूं मैं। वो क्यों सर? डोंट वरी, डोंट वरी, प्रमोशन विद ट्रांसफर। प्रमोशन? हाँ। देखो यार, मैंने इस सीट को पाने के लिए 15 साल मेहनत की है और तुमने सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल में पा लिया ये सब। ये उसीलिए सर। Anyhow, I am very proud of you, my boy. The most beautiful place in our state, दावणगिरी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले 16 धल्ली में। आराम से ऊपर जाओ। थोड़ा और ऊपर आओ। क्या पढ़ रहे हो? पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, अब मैं काम कर रहा हूँ। अरे वो पढ़ाई नहीं, जो तुम्हारे हाथ में है वो क्या पढ़ रहे हो? प्रेम विवाह कैसे होता है? इस साहित्य को लिखने वाले का नाम भी तो पढ़ो। कोई प्रेमदास है? उनका गांव कौन सा है बताना? मुझे कैसे पता होगा? बीजापुर, बीजापुर, बीजापुर के बगल में ही है ना माधवपुर। आपको कैसे पता? इसको लिखने वाला मैं ही हूँ। जिस लड़की से प्यार करता था उसी से तंग आकर लिखी है ये। बाद में आपने उसी लड़की से शादी की क्या? नहीं जी, प्यार तो मुझसे करती थी लेकिन भाग किसी दूसरे के साथ गई जी। अरे फेंक क्यों दी और इतने गुस्से में क्यों हो? जिसने लिखा उसी की गर्लफ्रेंड भाग गई तो मैं क्यों पढूं? प्रेम करने वालों की शादी कैसी होगी लिखा है, बैठ जा चुपचाप। अरे मैंने जो लड़कियों पर रिसर्च की थी वो सब वेस्ट हो गई। मैनेजर आ गए। ढोल बजाओ। ये हार मेरी है सर। हाँ हाँ, पहनाओ, हाँ पहनाओ, पहनाओ। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा। वैसे आप लोग मुझे कौन समझ रहे हैं? बैंक मैनेजर समझ रहे हैं और क्या? ची 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 ची। नो 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 नो, ऐसा छोटा मोटा काम करने वाला नहीं हूँ मैं। जिस मैनेजर का आप लोग वेट कर रहे हैं वो अंदर है। थैंक यू ब्रदर, इट्स ओके, सही सलामत लेकर आ गए। थैंक यू। ए भाई, वो हार निकालो, साहब को पहनाना है। इसकी जरूरत नहीं, आपकी रिस्पेक्ट ही काफी है। फ्रेंड। मतलब तू बैंक मैनेजर नहीं है क्या? ए तेरी तो फिर चश्मा पहनकर क्यों खड़ा है, बाजू हट। बेटा भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ये सब आप लोग का आशीर्वाद है। ए चलो डोल बजाओ, लाइए साहब, मैं ले लेता हूँ। नमस्ते। बहुत अच्छे से काम करना बेटा। अरे ये क्या, बैंक मैनेजर के आने पर इतनी खुशी? जब कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा तो क्या करेंगे ये लोग?
सर, आप यहाँ के ढोल ताशे ये हार वार ये देखकर फिसल मत जाना, यहाँ के लोग कमीने हैं। आपसे पहले जो मैनेजर आए थे ना, उनको भी ऐसे ढोल ताशे हार पहना कर चापलूसी करके घी की पूरी खिलाकर सबने बहुत लोन ले लिया था और एक पैसा वापस नहीं किया। चोर हैं सब के सब, एक नंबर के कमीने। आफ्टर ऑल एक प्योर एक मैनेजर को सलाह दे रहा है, अगर ऐसा कुछ भी बताना होगा तो मैं हेड हूँ, मैं बता दूंगा। दोस्त, इस गांव में एक एक की शक्ल देख के लग रहा है कि ये लोग हमारे मजे ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त? अब तू देखना कैसे इनका असली रंग निकालता हूं। ये आपकी लीजिए, रुको, ये पतंग इनकी है, ये बात इन्होंने अभी तक कही नहीं। और आज शुक्रवार है, शुक्रवार को अगर आपके हाथ में पैसा है या फिर पेपर आए, उसे वापस नहीं करते हैं। अब चलो। बेचारी इस पतंग के लिए हमारे पीछे पड़ गई है, दे देता। नहीं, हम रखकर क्या करेंगे? कल तेरी शादी होने के बाद बच्चे होंगे ना, उन्हें खेलने के लिए दे देना। मुंह बंद कर। है? ये आपकी है क्या? आप अपनी ही चीज को मांगने के लिए शर्मा क्यों रही हैं? हिम्मत करके, आंखों में आंखें डाल करके आप मुझसे पूछ सकती है ना। हिम्मत करके नहीं तो इशारा करके तो मांग सकती है ना। इशारा करके मांगेगी, गूंगी है क्या? सच में यार, बेचारी गूंगी है। सॉरी, आप बोल नहीं सकती, मुझे नहीं पता था। ये लीजिए। अरे पतंग वापस कर दी, फिर ये पीछे क्यों आ रही है? इस चेहरे की बात ही अलग है यार, जहाँ भी जाओ लड़कियाँ आती ही रहती हैं। आप मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए आई है ना? चुप हो जा कौए, चलो। मैंने कहा चलो। चलो चलो चलो, ओके। आइए सर, आइए आइए सर, आइए अंदर आइए। हे hey, हाँ? इधर आ। हाँ? इस गांव में जो भूत बंगला है उसे बाद में दिखा देना। हाँ?
पहले हमारे रहने के लिए तुमने जो बंगला अरेंज किया है ना, उसे दिखाओ। यही वो बंगला है सर। हाँ, वो यही है या? ए, चार दीवारें और एक छत, तुझे बंगला लगता है क्या? एक बड़ा सा एसी और उसके साथ अटैच बाथरूम, ऐसे मार्बल लगे फ्लोर को क्या कहोगे तुम लोग? सर बेइज्जती मत कीजिए, वो तो नए मैनेजर साहब आए हैं ना, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बंगला खोल दिया है। अगर कोई और आया होता ना तो बंगले की खिड़की भी नहीं खोलता उसके लिए। हाँ, और पता है ये बंगला, बंगला बोलकर मुझे टेंशन मत दे, अगर तूने दोबारा इसको बंगला बोला ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बिना मारे ही चिल्ला रहा है भाई। भाई तुमने ये घर देखा क्या? फर्स्ट क्लास है, रोशनी आ रही है, हवा आ रही है। हाँ, बाहर अगर सोएंगे ना तो हवा और अच्छी आएगी। अगर अच्छी हवा आ रही है तो तुम जाकर सो जाओ। अरे भाई मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। अरे इस घर में तुम्हें क्या पसंद आया? मकड़ियों के जाले तुम्हें दिखाई नहीं देते और खिड़कियाँ भी टूटने वाली हैं, और तुम इसको बंगला बोलते हो उस पागल की तरह। ए भाई मैं यहीं पर हूँ। वो आपका नाम नहीं पता था ना, इसलिए मैंने आपको पागल बोल दिया। पागल कहा आपको? ए मिस्टर, मेरा नाम है मिस्टर टिम स्लाइस। ऐश्वर्या राय की रोल्स रॉयस की तरह। सर मैं पूरा घर साफ करवा दूं क्या? जितना एक दिन में होता है उतना भी गंदा नहीं है। आप पहले रूम को साफ करवाइए, मैं घूम कर आता हूँ। ओके सर। हाँ क्या बात है, आइए आइए सर। सर ये हमारा तालाब है, कैसा है सर? एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, फैबुलस। सब कुछ तुम ही बता दोगे तो फिर मुझे क्यों लेकर आए? आगे आओ। क्यों? उस तरफ देख। अरे किस लिए बताओ तो सही। अरे बाप रे। वाओ, सुपर, फैंटास्टिक, मार्वलस, फैबुलस। शर्म नहीं आती तुझे? अंधा कहीं का, औरतों को नहाते हुए देख रहा है, तेरी आंखें फूट जाए, गधा कहीं का, चल जाए यहाँ से। किसी ने देखा तो नहीं? मैंने देख लिया। भाई ये कावेरी कितनी अच्छी लगती है ना, उससे बढ़िया जो डायलॉग वहाँ से आया वो सुनने में मजा आया। वही तुम्हारी आँख फूट जाए वाला डायलॉग, एक्सलेंट, फैंटास्टिक, फैबुलस, फैंटास्टिक। दोस्त मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही, मैं उधर जाता हूँ। चलिए सर। छी, हट, हट। ये बिल्लियां भी डरा देती हैं। थू। ए भाई, हैं? आप चाहे मुझे कुछ बोलो या फिर इस घर को कुछ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपने उस बिल्ली को कुछ कहा ना, हाँ तो? क्योंकि इस घर में जब से लोगों का आना जाना बंद हुआ ना, तब से इस घर की रखवाली ये बिल्लियां ही करती हैं। वैसे इतने सालों से इस घर में कोई रहता क्यों नहीं? वो ना, मेगा सेल की जरूरत नहीं है, छोटा सा बनाकर बताओ। 6 साल पहले एक बहुत ही सुंदर लड़की। सुंदर सी लड़की? यही इस पर पायल पहनकर घूम रही थी क्या? पायल पहनकर घूम रही थी सच है, लेकिन वो इस बल्ब के ऊपर ऊपर हिल डुल रही थी। उसने रेशमी साड़ी से, वो रेशम की साड़ी से मरे या फिर कॉटन की साड़ी से, तू ये सब मुझे क्यों बता रहा है? वो लड़की क्यों मरी? कोई कमीना लफंगा आकर उस लड़की को प्रेग्नेंट करके चला गया सर। कौन था वो? अगर उसके बारे में बताऊं तो उसकी हाइट, वेट, पर्सनैलिटी, ये सब कुछ सर इनकी तरह ही था सर। बाप रे, अयो, अगर उसने मुझे वो समझकर आधी रात को कुछ कर दिया तो? ए, तू क्यों चिंता कर रहा, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ, तू तो है ही, लेकिन सुबह तक मैं जिंदा रहूंगा तब ना। कांची कामाक्षी आपके द्वार पर खड़ी है स्वामी। मैं पहले से ही टेंशन में मरा जा रहा हूँ, लेकिन इन गांव वालों को लोन कब लेना है पता नहीं है, और भिखारी को भीख कब मांगनी ये भी नहीं पता। ए, रुक मैं अभी आता हूँ। कंची कामाक्षी मीनाक्षी संगेरी सरनम किल्लोर रूपम आपके दरवाजे पर खड़ी है स्वामी। मैसूर चामुंडी बेंगलोर की माँ आपको खड़े होकर देख रही है स्वामी। शुभ काल आ रहा है, शुभ योग आने वाला है, अष्टलक्ष्मी आपके घर के अंदर आने के लिए इंतजार कर रही है स्वामी। जी? आपके लक्ष्मी जी को अंदर आने में शर्म आती है क्या? वो ऐसी बात नहीं है स्वामी, आपके घर के अंदर एक दुष्ट शक्ति है, जब तक वो है तब तक अष्टलक्ष्मी नहीं आएगी स्वामी। इतनी देर से घर में लक्ष्मी आएगी बोल रहा था, अब दुष्ट शक्ति है बोलकर डरा रहा है। हाँ? तेरी लक्ष्मी देवी ने तुझे बताया नहीं कि तुझे भी फटका मिलने वाला है? वो माते ऐसा कुछ नहीं बताती स्वामी। अब बताएंगे स्वामी। डराता है मैं। अगर दोबारा ये माँ वो माँ बोलते हुए इस रास्ते पर दिखाई दिया ना तो काट के रख दूंगा। निकल यहाँ से, निकल, डोंगी कहीं का। मेरा नाम पता है तुझे? राजेश। मैंने एक बार बोल दिया ना तो वो पत्थर की लकीर। माँ ने जैसा कहा था वैसा ही है ना? नहीं, तेरे बाप ने जैसा कहा था वैसा। चल निकल, निकल भाग्या से। अरे मैं अकेला रह गया। सर आप सो गए क्या? आराम से सो जाइए, मैं जाकर लाइट बंद कर देता हूँ। नहीं, इस घर में सोकर भी जाग रहा हूँ मैं। देश के हर रेलवे स्टेशन की तरह इस घर में लाइट जलती रहनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही मैं रेडियो ऑन कर देता हूँ, आप निडर होकर आराम से सो जाइए सर। हाँ ठीक है, ऐसा कर दो।
रेडियो ऑफ कर, शांति से सो जा बोलकर भूत वाला गाना लगा दिया। ठीक है रुके, मैं चैनल चेंज करता हूँ। चैनल को नहीं तुझे चेंज कर देना चाहिए, समझा भाई? कल इससे बोल देना ये अपने घर पर जाके सोए। ठीक है तिम्मा, उस लड़की ने कहाँ फांसी लगाई थी जरा बताना मुझे। वो ना, अरे भाई आधी रात में एक ऐसा सवाल पूछ रहे हो। ठीक है जाने दे, सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये चौथी बार गुड नाइट किसने बोला? अरे मैंने ही दूसरी बार बोला था। अरे भाई आधी रात को मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? लाइट ऑफ मत करना, कितनी बार कहा तुझसे? सर मैंने ऑफ नहीं किया है सर, लाइट चली गई है। लाइट चली गई? लाइट के जाने से उस भूत का कोई तो कनेक्शन है, बराबर आधी रात को ही लाइट क्यों गई है? जरा दिया जला दो तिम्मा। ठीक है सर। तुझसे कहा था ना कि रेडियो मत बजाना। सर जब लाइट ही नहीं है तो रेडियो कहाँ से बजेगा सर? बात तो सही है भाई, ये गाना कौन गा रहा है? ना गाना है ना बजाना है, सब तेरा भ्रम है, चल सो जा। मुझको छोड़ के मत जाना ओ मेरे चंदाना, ऐसे मत तुम उड़ जाना कहीं और तुम मत जाना, मुझको छोड़ के मत जाना ओ मेरे चंदाना, ऐसे मत तुम उड़ जाना और कहीं तुम मत जाना, रहना पास ऐसे ही चंदाना, तू ही मेरा साथी मेरे चंदाना, चंदा के चंदाना ओ प्यारे चंदाना, मुझको छोड़ के मत जाना ओ मेरे चंदाना, ऐसे मत तुम उड़ जाना कहीं और तुम मत जाना। सुन मेरी, मैं तो दोस्त हूँ तेरी, तुम ही मेरे साथी रे, बातें तेरी मैं सुनती, तुझे प्यार कितना करती, साथी हो तो ऐसे रहो, बात सारी मुझसे करो, तुम सुन लो चंदाना, हाँ सुन लो चंदाना, मुझको छोड़ के मत जाना ओ मेरे चंदाना, मत तुम उड़ जाना कहीं और तुम मत जाना। चंदा आजा मेरी गली में ओ चंदा, आस पास मेरे है तू चंदा, ओ प्यारी सी चंदा है दिल में तू चंदा।
तू मेरी जान है ओ चंदा, सुन ले मेरी तू चंदा, तू मेरा दिल है ओ चंदा, धड़कन है तू चंदा। अरे मिस पतंग, ये आप गा रही थी क्या? आप तो गोंगी है ना, ऐसा गाना सुना है कभी? गाना तो सुना लेकिन बातें नहीं सुनी ना। चुप रह कौवे। मिस वेरी सुपर एक्सीलेंट फैबुलस है। आपका गाना बहुत अच्छा है। भाई सब कुछ तू ही बताएगा क्या? मैं नहीं बता सकता क्या? हेलो मिस पतंग, आपका गाना तो भूतिया फिल्म से भी ज्यादा भयंकर था। मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ, प्लीज आधी रात को ऐसे गाना मत गाया करो। वो हंसी क्यों भाई? क्योंकि तेरी शक्ल काले कौवे से मिलती है। हाँ मैनेजर साहब से बात करना है। अरे देखो आ गया आ गया। साहब जी नमस्ते। नमस्ते साहब जी। नमस्ते साहब जी। साहब जी हमारी खेत की सारी फसलें मारी गई। देखिए सर यही हमारा बैंक है। क्या ये सब? भाई रेडियो पर बीच बीच में प्रचार आता है ना, ये बैंक आपका बैंक, ये बैंक आपका बैंक, इसीलिए इसे अपना समझकर इन लोगों ने अपना घर बना लिया है। हटो हटो जाने दो। ये कौन लोग? ये सब यहाँ के किसान है सर। जा कर रहे बैंक के अंदर? क्यों किस लिए? क्यों मतलब धान सुखाने के लिए जा रहे हैं। अरे बैंक को कोई ऐसे रखता है क्या? सर सामान्य तौर पर सारे गांव के बैंक ऐसे ही होते हैं सर। सर क्या है रे? सर वो मेरा लोन सर। रुको जरा सबको बुलाओ यहाँ। आ जाओ भाई सब लोग यहाँ आओ, साहब बुला रहे हैं, आओ आओ। अरे आ जाओ सर लोन देने वाले हैं। लोन देने वाले हैं? देखते हैं ना। आप लोगों में दिमाग नहीं है क्या? बैंक की बिल्डिंग को इस तरह खराब करता है? अगर तुम्हारा घर होता तो क्या ऐसा ही करते? हमारा घर नहीं तो क्या हुआ, सरकार का है ना। वेरी गुड, ऐसी फालतू वजह से ही हमारा राज्य देश आगे नहीं बढ़ रहा है। सरकार को तुम लोग ने क्या समझ रखा है? सरकार ने हमारी रक्षा के लिए यह बंगला बनवाया हुआ है। उस बंगले में एक एक पत्थर एक एक कारीगरी हमारी है। सरकार का कहना है तुम लोग मेहनत करके पसीना बहाकर जो टैक्स भरते हो ना, ये वही पैसा है। तुम लोगों ने अगर इसे खराब किया तो उसका सारा पैसा तुम लोगों से वसूला जाएगा, कोई दूसरा ला करके नहीं देगा, समझ गए ना? बगल के घर में अगर आग लग जाए तो हम कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन वो आग हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे ही किसी की चीज खराब हो जाए और हमें कोई मतलब नहीं तो हम सब खराब हो जाएंगे। पैसा मतलब लक्ष्मी है। लक्ष्मी को रखने की जगह क्या इतनी सुंदर होती है? और इस गांव में तो अगर वो साफ सुथरी रहेगी तो अच्छा रहेगा। वैसे ही बिल्डिंग हो बैंक हो साफ सुथरे हो तो अच्छे लगते हैं। ये बैंक तुम्हारा बैंक है, इसे साफ रखना हमारा कर्तव्य है। जाओ इसे क्लीन करो। ठीक से साफ करो। भाई इन सब पर साइन कर दो,
क्या है आखिर सब? लोन एप्लीकेशन है। 1750। अगर हाथ में दर्द होने लगे तो बोल देना, आयोडेक्स भेज दूंगा। तिम्मा दीदी, दीदी सारा गोबर साफ कर दिया। अभी कैसा लग रहा है? एकदम कड़क। दीदी दीदी वो देखो, वो चूहा भाग कर जा रहा है। मारो उसे, देखा ना, भाग गया। जाने दो दीदी। अरे नहीं, अगर इसे नहीं मारेंगे तो ये सारे के सारे कपड़े काट के रख देगा। ऐसा है तो जहर रख देते हैं। अभी कहाँ है हमारे पास? दीदी इन सब का इलाज है मेरे पास। ये कहाँ से लाया तू? लाया नहीं, ये मेरे पास ही रहता है। इसे बिल के पास लगा कर रखेंगे तो वो बाहर आ ही जाएगा और उसके बाद हम उसे मार डालेंगे। अरे अरे नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई तो? टेंशन मतलब मैं हूँ ना। ए संभल कर। हाँ। ए, वो फटेगा नहीं, तू छोड़ेगा नहीं। अरे 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 चलो चलो जल्दी चलो चलो आ जाओ जल्दी। अरे रे, बैंक भी साफ हो गया और गांव भी साफ हो गया। ये कब हो गया? ये कैसे संभव है? ये तो जन्म जन्मांतर की गंदगी है, इस जन्म में साफ नहीं होने वाली है। क्या बोल रहा है? देखिए देखिए रंगोली सर, रंगोली। वाओ सुपर, देखा भाई। ए तिम्मा, ये सब साफ करके रंगोली तुमने बनाई क्या? सुबह से तो मैं आपके साथ ही हूँ ना सर। तो फिर क्या काम वाली आई थी क्या? ये कैसे संभव है सर, इसकी तो एक ही चाबी है और वो भी मेरे पास है। ताला वैसे क्या वैसे लगा है, फिर घर किसने साफ किया? भाई कोई चोर भी तो हो सकता है। अगर चोर होता तो चोरी नहीं करता, घर की साफ सफाई क्यों करता? अरे हाँ, सर घर तो चारों तरफ से जगमग जगमग चमक रहा है। ये सब किसने किया होगा? हे है? मेरी बात सुन, लड़की के बारे में बताया था ना? किस लड़की के बारे में सर? अरे वही यार जिसने वहाँ पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था, उस लड़की की डिटेल देना। अरे कल ही तो बताया था ना सर। अब तूने मुझे आधी रात को बताया था और वो भी बिना पूछे? ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। बता दे प्लीज, बता दे ना यार। उस लड़की का नाम रंगी है, इसी घर में काम करती थी। रोज सुबह उठकर पूरे घर की साफ सफाई करके रंगोली बनाती थी। इतनी अच्छी लड़की इसके ऊपर लटक गई फांसी लगाकर। ए चुप कर, निकल। ये कड़े लैंप घर में ही क्यों होते हैं? कड़े के बगैर घर अच्छा नहीं लगता क्या? भाई भाई अर्जेंटली 500 रुपए दान करोगे क्या? किस लिए? मैं अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर अपने घर जा रहा हूँ। क्यों, अभी क्या हो गया? एक औरत हमें यहाँ पर तकलीफ दे रही है, मैं ये सब सह नहीं पाऊंगा। अरे उसे मरे हुए 6 साल हो गए हैं लेकिन इस घर को वो अभी तक छोड़ नहीं पाई है। उसने आकर पूरा घर साफ कर दिया और बाहर आंगन में रंगोली बना दी। रंगोली किसने बनाई है मुझे पता? उसी भूतनी ने ना। पतंग वाली ने? सिर्फ वो पतंग वाली नहीं, मिस पतंग वाली। मिस पतंग, आपने हमारे घर साफ किया, मैं जानता हूँ आपने ही किया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सब कुछ तुम ही कहोगे, मैं नहीं कहूँगा क्या? हेलो मिस पतंग, आपकी रंगोली सुपर है। थैंक यू। चली गई वो। ओके इट्स ऑल राइट। भाई भाई, अरे यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? ना सोने देता है ना बैठने देता है। अरे कुछ नहीं भाई, सामने वाले घर की मिस पतंग ने इस घर की सफाई की है, ये हाँ। तो ओके है, लेकिन
घर तो लॉक था ना? हाँ तो? तो फिर मिस पतंग घर के अंदर कैसे आई? इसका मतलब वो जो लड़की फांसी लगाकर मर गई, ये पतंग वाली उसकी कोई कजन सिस्टर हो सकती है। मुंह बंद कर और सो जा। ठीक है, ठीक है। सोन, 8 बजे तक खराटे मत मारना, 6 बजे तक उठ जाना, एक इम्पोर्टेंट काम है। 6 बजे तक ना? ओके, यू डोंट वरी। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है। क्या? 6:45 पर मुझे उठा देना। तेरी। चुप। गुड नाइट। गुड नाइट। शांति से मैं इस घर में सो भी नहीं सकता। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मेरा क्या होगा ये भी पता। गुड मॉर्निंग सेक्सी। भाई 6:45 बहुत जल्दी बज गए। आप आराम से सो जाओ, मैं आपको 6 बजे उठा दूंगा। और सो क्या? अरे तेरी खर्राटों की वजह से कोई सो सकता है क्या? कैसी अजीबो गरीब आवाजें निकालता है यार तू। तू तो गाड़ी के जैसे, ऑटो रिक्शे के जैसे आवाजें निकालता है और अचानक फैक्ट्री के सायरन की तरह ऐसे चिल्लाने लगता है और बीच बीच में आराम से कॉलिंग बेल की तरह करता रहता है और अचानक गधे के जैसे ऊंची सांसें लेता है, चिल्लाता है और यार तू 2-3 इंच अंदर वाली नाक से भी आवाज निकालने लगता है। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। कहां से निकालता है यार तू? भाई आपके गले को क्या हो गया आज? सिर्फ वीडियो ही दिखाई दे रहा है मुझे, ऑडियो तो सुनाई नहीं दे रहा है। समझ गया, कल पटाखे की वजह से आपका माइक फट गया। मेरा कोई माइक नहीं फटा है, तेरे दोनों स्पीकर फट गए। बाप रे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कहने के बाद पलट कर गुड मॉर्निंग कहते हैं पता नहीं है। सुनो, तुम लोगों के यहाँ जब मुंह खोलते हैं तो सिर्फ गाना गाते हैं क्या? आह, बात ना करने की प्रतिज्ञा ली है क्या? क्या मौसम है, क्या नजारा है, ये तो भूत वाला गाना सुनाई दे रहा है मुझे। बंजारा है। स्वामी, स्वामी, आपके हाथों में क्या गुण है स्वामी? आपके इन कोमल हाथों के स्पर्श की वजह से मेरे दोनों कानों की पेटी रिपेयर हो गई है स्वामी। ए बच्चे, तेरे शरीर में क्या समस्या है मुझे जरा बता दे। हा? मैं उसे स्पर्श करके रिपेयर कर दूंगा। संभाल के काम खत्म करके कॉफी बना दे। ओके। तुझे अगर छोड़ दूं तो मस्ती चालू हो जाती है। 5 मिनट में कॉफी रेडी कर दूंगा। ये क्या है? गर्म पानी है, ठंडे पानी से नहाना मुश्किल होगा ना इसीलिए। मिस पतंग? हाँ? घर साफ करती हो, घर के अंदर रंगोली बनाती हो, अगरबत्ती लेकर आती हो और अगर रात को नींद ना है तो लोरी गाकर सुनाती हो, वो सब तो ठीक है, और एक काम करोगी क्या? क्या? ये सब आप क्यों कर रही हैं इसका जवाब मुझे देंगी क्या? मैं बताता हूँ। आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, am I right? सरफेस नॉलेज ज्ञानी आदमी, तेरे दिमाग में ऐसा सिक्स सेंस आ कहाँ से जाते हैं? मैं बचपन से ही ऐसा ही हूँ यार। बचपन से ही तेरा टैंक खाली है क्या? स्टुपिड फेलो। क्या हुआ, पानी गर्म नहीं है क्या? बता नहीं सकता था पानी गर्म है। मैं कहता पानी गर्म है तो तू हाथ डालता क्या? निकल। बहुत ही बुरा आदमी है ये। गुड मॉर्निंग।
बाय। भाई सुन बे, ये बेंगलुरु की नहीं गांव की लड़की है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हाथ काट के रख देगी, तो बिना हाथ हिलाए ही बाय कहना पड़ेगा। देख क्या रहा है, चल। ये प्रकृति की सुंदरता तो देखो, देखो ये पानी, वो नीला आकाश और ये हरे पेड़। प्रकृति की लिस्ट में गंदगी भी है। अरे हाथ दो भाई, नहीं देता। अरे हाथ दो ना। ठीक है आ जा। अरे अरे बाप रे, अरे रे रे, शरीर में जब मिट्टी लगती है तभी दही खाने को मिलता है। अरे नारायण, बैंक वाले आ रहे हैं, जो हमने कर्जा लिया था वो तो खर्चा हो गया, अब वो पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे उनको। अरे जाने दो ना, हमारे हाथ में पैसे आए तो हमारा नसीब खुल गया और हमने उड़ा दिए, यही उनसे कह देंगे। रहने दो, देख कर आना, नहीं तो फिर गिर जाओगे। ये सब किसका है? ये सब हमारा ही है साहब। एक फसल में कितना उगा लेते हो? पानी सही समय पर मिल गया तो 30-40 क्विंटल उगा लेते हैं, लेकिन पानी ही नहीं है ना, यही तो हम लोगों की समस्या है। तो पानी नहीं है? बारिश कम होती है ना। पिछले साल मोटर के लिए कर्जा लिया था ना। मोटर किस काम के लिए सर जी, गांव में तो हमेशा। ये पाइप के बारे में बात कर रहा है साहब। ठीक है, वो कर्जा कब लौटाओगे? जल्दी चुका दूंगा साहब, एक बार लोन तो दे दीजिए। अच्छा, पहले जो लोन लिया था वो किस लिए? उसके पहले का चुकाने के लिए। भाई इस गांव में रहने वाला हर इंसान चोर है, बस इनके पास हथियार की कमी है। लकड़ी है ना साहब। देखिए आपने जो लोन लिया उसे जल्दी चुकाना होगा, ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा। समझ गए साहब। साहब कल बैंक आता हूँ ना। किस लिए? एक और लोन के लिए। चल हे, लोन चुका देना। हाँ, हम पहले वाला कर्जा चुकाएंगे। पाइनएप्पल ये लो, तुम ये लो, तुम्हारे लिए। और तुम ये लो, ये सब कुछ लेकर जाओ दीदी के घर। ये है तुम्हारे लिए, चलो जाओ ना, जाओ। तो मैं तुम लोग को भी दूंगा, जाओ जाओ। ये सब क्या है? नहीं बस ऐसे ही, बस वो रिश्वत। राजेश जी आप थोड़ा समझ गया। ये चश्मा मैं ले लूं क्या? ये लड़कों के पहनने के लिए, आपके लिए नहीं है। अरे भाई अच्छे लोग कुछ भी पहने अच्छा ही लगता है। ला दो, ये लीजिए, लगाइए लगाइए। वाओ सुपर फैंटास्टिक। आपका फ्रेंड कह रहा है अच्छा लग रहा है, तो मैं ले लूं क्या? अरे पूछ क्यों रही हो, अभी तो उसने कहा ना आप भी हमारे घर के एक सदस्य हो, तो फिर संकोच कैसा? टिकट। हाँ, हाँ, थैंक यू। टिकट ओके बाय। कैसा रहा? ऊपर दे। तू जबान साफ कर रहा है या उसे निकाल रहा है? तू मेरे ब्रश को यूज कर रहा था। तेरा ब्रश कहाँ है? तू कौवा कहीं का? भाई मैं बहुत दिनों से आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। कुछ नहीं, बस आप प्यार से मुझे कौवा कौवा कहकर बुलाते हो ना, इसका मतलब क्या है? कौवा 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 नहीं है, वो खा 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 है? पहला खा है? दूसरा खा, मूर्ख। मूर्ख? हाँ। दिस इज टू बैड भाई, दिस इज टू बैड। आपके लिए तेल और बेसन का आटा। हाँ? भाई ब्रश ये नहीं, ये है। सॉरी। सच कहूं भाई, आज सांभर तूने बहुत ही बढ़िया बनाया है। कुछ तो आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है एक स्पेशल आइटम आ रहा है। हमारे घर में कौन आ सकता है? मिस पतंग लेकर आ रही है। जय पाताल भैरव, जय पाताल भैरव। आ गई। हेलो, क्या ये? ये पालक की सब्जी है। वाओ, मुझे भी। आपके लिए नहीं है? हाँ। मेरी फेवरेट है। फर्स्ट क्लास। पानी पीजिए। थैंक यू। कोई तो मेरे बारे में बुरा कह रहा होगा। और कौन, मैं ही हूँ। तू है क्या? पालक की सब्जी अकेले खाओगे तो मैं क्या तारीफ करूंगा? आहा।
अब मेरे बारे में कोई बुरा सोच रहा है, है? मैं नहीं हूं यार, शायद ये होगी। हाँ? आप मेरे लिए इतनी स्पेशल सब्जी बनाकर लाई है और उसे तू खा जाएगा तो उसे गुस्सा नहीं आएगा? हाँ? भाई मिस पतंग आ रही है। ये पोस्टमैन लेकर आया था, आप नहीं थे इसलिए मैंने ले लिया। थैंक्स। इसमें शायद कोई फोटो आई है। वो शायद बैंक बिल्डिंग्स की फोटो होगी। अरे बिल्डिंग बिल्डिंग का फोटो नहीं है, लड़कियों की फोटो है। ए, चुप कर। देखिए इसके घर वालों के पास कोई काम नहीं है, रोज मंदिर में जाकर, मार्केट में जाकर, जहाँ जहाँ लड़कियाँ होती हैं वहाँ वहाँ रुककर इंक्वायरी करती हैं और उसके बाद उनकी फोटो लेकर इन्हें भेज देती हैं, लेकिन आज तक इन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं है। मजाक कर रहे हैं, ऐसी कोई फोटो नहीं होगी इसमें। क्यों नहीं होगी? देखो इसमें सिर्फ लड़कियों की फोटो है। मुझे पैर क्यों मार रहे हो? उसे पता ना चले इसलिए। ये देखो इसमें से एक अच्छी लड़की सेलेक्ट करो, उसके बाद इसकी शादी करवा देते हैं, उसके बाद आपको रंगोली बनानी नहीं पड़ेगी। चलती हूँ। बाय। बाय बाय। अरे उसके सामने फोटो दिखाने की जरूरत क्या थी? है? दिखा दिया तो क्या हो गया, वैसे भी वो कोई बाहर वाली नहीं है। हेलो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? फोटोज देखो। मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। हाँ? पहले फोटो देखकर कहता था लड़की पसंद नहीं है, अब बिना देखे ही कह रहा है कि पसंद नहीं है। मतलब मुझे लग रहा है तुझे कोई और ही पसंद आ गया है। तुझे जो पसंद है उसका नाम बताऊं क्या? आकाश में उड़ने वाली पतंग भी दिल में बसी हुई है। और क्या सोच रहा है तू? इतने दिनों के बाद तुझे अपनी पसंद की लड़की मिल गई, जल्दी से अपने माँ बाप को एक चिट्ठी लिख दे। क्या बोलकर लिखूं मैं? कुल गोत्र जाति कुछ नहीं पता। लड़की तुझे पसंद आ गई है ना? हाँ? बाकी तू मुझ पे छोड़ दे, सुबह होते ही उसका कुल गोत्र उसके दादा परदादा की पूरी कुंडली उठा लाऊंगा। सारी डिटेल चाहिए यार। चोर कहेगा। कैसे पता लगाऊं? बहुत ही अलग समस्या है। ए लड़की यहाँ ना आओ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सरस्वती। सरस्वती वेरी गुड नेम। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? आठवीं क्लास में। ओहो इतनी छोटी उम्र में आठवीं क्लास में पढ़ रही हो, इसका मतलब तुम बहुत ही होशियार हो। ठीक है बेटा मैं तुमसे एक सवाल और पूछूंगा, उसका जवाब दोगी ना? पूछिए। वहाँ पर जो सामने दीदी है ना? मेघमाला दीदी मेरी दोस्त है। नाम तो पता चल गया, अब मैं सीधे पॉइंट पर आ जाता हूँ। तुम्हारी मेघमाला दीदी की कास्ट कौन सी है, मतलब जाति, जाति कौन सी है? एक मिनट इसे पकड़िए। जाति पूछना गलत है, ज्योति सबसे महत्वपूर्ण है, जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए, भगवान ही सब कुछ है। हो गया। ये पकड़ो, स्कूल के लिए देर नहीं हो रही? हाँ हो रही है। तो फिर यहाँ पर क्यों खड़ी हो? जाओ जाओ। आई बहुत बड़ी ज्ञानी, भगवान ही सब कुछ है। छोटे बच्चे सही नहीं होते हैं, इस गांव में किसी होशियार को पकड़ना चाहिए। ए नारायण क्या हुआ? तुम दो दिन से नजर नहीं आ रहे थे, कहीं गए थे क्या? अरे वो क्या है ना कि मैं अपनी बीबी को ससुराल छोड़ने गया था यार। अरे ठीक है लेकिन एक बार बता के तो जाते। ऐसी बात नहीं है यार वो क्या? अरे और नहीं तो क्या यार, कल मेरी सास के घर से मुर्गी सब्जी बिरयानी बड़ा सब कुछ भेजा था उन्होंने, लेकिन एक भी निवाला नहीं खा पाया यार। ऐसा क्यों? सब जानता है फिर भी पूछ रहा है। मैं तुझे छोड़कर तेरे बिना खाना खा सकता हूँ क्या? गोविंदा भगवान की कसम खाकर कह रहा हूँ, कल मेरी सास के घर पे मुर्गे की सब्जी बनी थी, बिरयानी और बड़ा भी बना था, पर मैं एक भी निवाला नहीं खा पाया यार। ए नारायण ये सब तेरे प्यार और भरोसे की वजह से। गोविंदा हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहेंगे। नारायण वेरी गुड, इन बेवड़ों से पूछूंगा तो पता चल जाएगा।
तू कितना भी कह ले, जो होना है होके रहेगा। नमस्ते। नमस्ते जी। आपसे मुझे एक छोटा सा काम था। बोलिए ना। आपके गांव में राव स्वामी है ना? वही ना, जो ठीक आपके घर के सामने है। करेक्ट करेक्ट। इस गांव में उन्हें लोग बहुत ही इज्जत देते हैं। उनकी जाति कौन सी? हमारी जाति के हैं। इस गांव में जब भी हमारी जाति वाले चलकर आते हैं ना, तो दूसरी जाति वाले खड़े होकर नमस्कार करते हैं। अरे चुप कर कमीने, दूसरे लोगों के सामने हमारी जाति की बेइज्जती करता है तेरी तो। सर जी, इस गांव में हमारी जाति वाले ही सबसे बड़े हैं। इस गांव के एमएलए है ना, वो हमारी जाति के है सर। हाँ सर जी, एमएलए भी इनकी जाति का है, लेकिन उस एमएलए को जिताने वाला कौन है? हमारी जाति के सर, हमारी जाति के। तुम्हारी जाति वालों ने कितना वोट दिया हमें पता है, जा जाकर सारे वोट कैंसिल करवा दे तुम्हारी जाति के लोगों ने। तुम्हारी जाति वालों को वोट देना भी नहीं आता, अनपढ़ है वो। क्या कहा तूने? हमारी जाति वाले को अनपढ़ कहा? तेरी तो। अरे यार मेरी बात तो सुन। ये हमारी जाति वाले को गाली दे रहा है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तू भी हमें गाली दे रहा है, तेरा क्या बिगाड़ा है हमने? मैं ना तुझे काट के रख दूंगा, देख लेना। काट के रख देगा, काट के रख देगा। हमारी जाति वालों ने चूड़ियां पहन रखी है, काट के रख देगा। मेरी जाति के सब लोग आ जाओ, मैं इसे आज काट के ही रहूंगा। हमारी जाति वाले भी आ जाओ, आज इसे हम छोड़ेंगे नहीं, काट डालेंगे। आ जाओ हमारी जाति वालों। जब औरतें नहा रही थी तब आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, आंखें नोच लो। हां नोच लो। कैसी औरत है? औरत को तो करुणा की माया कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वालों में करुणा है ही नहीं। सबको तालिबान तालिबान भेज देना चाहिए। इसकी शक्ल तो देखो, मरे हुए मुर्गे की तरह लग रहा है। छे, इस भारत में भाईजान की शक्ल को छोड़कर सबसे अच्छी शक्ल मेरी है। इन लोगों की समझ में क्यों नहीं आता? ऑल अनएजुकेटेड फेलोस। संतु संतु, अरे देखो, इतने सालों से चलता आ रहा एक ही माँ के बच्चों की तरह रहने वाले हमारे गांव के लोगों को जाति के नाम पर झगड़ा करवा दिया इस पापी ने। आखिर में इसने हमारे बैंक मैनेजर को ही पंचायत में लाकर खड़ा कर दिया। जो खड़ा है वो मेरा दोस्त ही तो है, इसमें इन सब का क्या जाता है? एक्सक्यूज मी, लगता है मुझे उल्टी आ रही है, थोड़ा सोडा मिलेगा क्या? ओ, इससे अच्छा यही ठीक है। ऊपर उठाओ। देखिए, अनजाने में इससे गलती हो गई, इस बार माफ कर दीजिए। हमारे बैंक मैनेजर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हमारे गांव वालों की मदद भी करते हैं, उनकी बात को मानकर एक बार छोड़ देते हैं। तो तुम सब क्या कहते हो? जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही करेंगे। नीचे उतारो उसे। नीचे उतारो, नीचे उतारो, आराम से। चलो चलो, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, उतारो, नीचे उतारो, उतारो, आराम से, आराम से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे गांव के कुछ लोग जानते हो ना टेढ़े हैं, उन्हें गलत मत समझना। चलना, चलो दूर हटो, जो करना था वो कर लिया, अब मस्का लगाने आ रहे हो? मुझे छूने का औकात नहीं तुम्हारी। आउट आउट, गेट आउट। थू भाई, भाई इस घटना के सूत्रधार आप ही हो अगर ये सबको पता चल गया तो। देखो ये दोबारा जाति के बारे में बात कर रहा है। चुप हो जाओ वरना ये लोग काट के रख देंगे मुझे। आप भी मजाक करते हो, मजाक की भी एक हद होती है। भाई घर पे इतने सारे दिए क्यों लगे हैं? तुम्हें उन लोगों ने उल्टा लटकाया ना, इसी खुशी में गांव वाले दिवाली मना रहे हैं। अच्छा ऐसा है। ओह अब पता चला, ये कार्तिक मास का विशेष कार्यक्रम है। ऐसे क्यों देख रहे हो? दिया लगाते हुए किसी को देखा नहीं क्या? हाँ लगाते हुए देखा है, लेकिन लॉक लगे हुए घर के अंदर ऐसे कभी नहीं देखा। मैं बस वही सोच रहा था। देखो मुझे फिल्मों के सस्पेंस से ही डर लगता है, असल जिंदगी में सस्पेंस मत दो। आपके पास कोई मास्टर की है अगर क्या? ऐसा कुछ है तो प्लीज दे देना, अगर इसे टेंशन होती है ना तो अगल बगल वालों को काटता है। ऐसी मास्टर कीज मेरी दीदी के पास बहुत पड़ी है। चलो चलो सब लोग, चलो 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 चलते हैं। अरे चलो ना, मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। खीर खाओगे क्या? कौन सी चीज? खीर भाई, वही जो दूध शक्कर चावल नमक गरम मसाला इमली डालकर बनाते हैं, वही ना? वो खीर नहीं, पॉइजन बन जाएगा। आप लेकर आइए।
अच्छा, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। अचानक ये बात तुझे कैसे पता चली? भाई चुप रहिए, वो सब ठीक है। वैसे हमें जो कुछ भी जानना है वो हम मेघमाला से भी तो पूछ सकते हैं ना। क्या वो कौन से कास्ट की है? अरे भाई प्लीज कास्ट के बारे में बात मत करो, मेरे चेस्ट में दर्द होता है। देखो वो बात छोड़ देते हैं। अभी मेघमाला खीर लेकर आएगी, तभी तुम उससे ये कहना कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्यों? हाँ करेक्ट, यही वो लड़की पूछेगी। तो कहना, सुनिए आप मुझे अपनी एक फोटो दे सकती हैं क्या? क्या कहा? हाँ करेक्ट, यही वो लड़की तुमसे पूछेगी। तो कहना कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख कर दे दूंगा। कुछ बोल दिया तो? हेलो भाई, एक लड़की एक लड़के से कितने भी दिनों तक फ्रेंडशिप रख ले उसे फोटो कभी नहीं देगी। अगर बाई चांस फोटो दे भी दिया तो इसका मतलब उसके दिल में कुछ है। अगर मेघमाला ने तुम्हें फोटो दे दिया तो समझ लेना काम खत्म। ये जात पात कास्ट वास साइड में फेंक कर एक ही बार में डायरेक्टली मैरिज, पी 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 डुम डुम डुम, फर्स्ट नाइट हनीमून। अरे भाई 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 दिखवा रही है, दिखवा रही है वो, ये चांस है तुम्हारे पास, मिस मत करना। बोल देना पूछो 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 कौन सी कास्ट? अरे फोटो फोटो आपसे कुछ पूछना था। पूछे? आपकी फोटो मुझे मिल सकती है क्या? किस लिए? बस ऐसे ही देखने के लिए। क्यों, फोटो नहीं है क्या? नहीं है। खिंचवा कर दे दूंगा आपको। इनका फोटो? हाँ। ये लीजिए, चलती हूँ। थैंक्स। टाटा। देखा भाई, लड़कियां कितनी फास्ट होती हैं। जो हमें पूछना चाहिए था वो उसने पूछ लिया। भाई रेडी? ओके एक्शन। तू क्लिक करना यार। हंसो हंसो हंसो। नो 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 नो, कुछ तो मिस हो रहा है। हाँ भाई टेक दिस। हाँ एक्शन। भाई राइट में देखो। ओके एक्शन। भाई टेंशन मत लो, ऐसे देखो। ऐसे करो। एक्शन। हेलो मिस्टर। ए साइड हो जा, डिस्टर्ब मत कर, मैं फुल मूड में हूँ। इसके लिए ग्रीन शॉट होता तो अच्छा लगता। ओके एक मिनट भाई, टेक एक्शन। हेलो, इसमें रील नहीं है। अरे क्या हो गया उसमें? अरे बोला ना रील नहीं है। अभी तो तुमने डाला था ना। अरे उसमें सेल डाला था, रील नहीं। सेल डाला था तो यहाँ पर लाइए इधर। तेरी तो सेल और रील में तुझे डिफरेंस नहीं पता, खाली एक्शन बोलता है। भाई आपने फूल को क्यों फेंक दिया? तू उठा के ले ले। ओके ओके। हेलो मिस रंगोली, कल दिया और आज रंगोली, ये क्या है? हाथ में कॉपी लेकर रंगोली बना रही हो, कॉपी चेक कर रही हो क्या? तू थोड़ा चुप रह। इतनी जल्दी? हाँ ठीक है। कल आपने मेरी फोटो मांगी थी ना, ये लीजिए। अरे हाथ में बुक लिए हो, कैसे देखोगे? देखो ये फोटोज बहुत अच्छी हैं। थैंक यू वेरी मच। फोटो मेरी है, आइडिया मेरा है। ठीक है चुप हो जा। ठीक है। मैं इनमें से एक फोटो ले सकती हूँ? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? पॉसिबल नहीं है। अरे ये क्या, ये क्या, आप सब रख लीजिए, मैं आपके लिए तो लाया हूँ। फोटोज रात भर बैठ कर देखना। थैंक यू। दीदी दीदी सारी रंगोली बन चुकी है। हो गया, मैं चलती हूँ। ठीक है चलो। देखा ना भाई, आपकी फोटो देखकर ही इतनी खुश हो गई। अगर उसने अपने बगल में तुम्हें दूल्हे के रूप में देख लिया ना, तो उसे कितनी खुशी होगी पता नहीं है। मेघमाला जी, दिया तो? ये क्या, जैसे भगवान का नाम लिखते हैं वैसे इसने आई लव यू लिख के रखा है। देखा तूने, मेरी बात का विश्वास नहीं किया था ना। मेघमाला तुझसे ही प्यार करती है, गारंटी है। भाई तुमने कहा था ना कि मेरे लिए भी एक लड़की कहीं पैदा हुई होगी, वो लड़की यही है यार।
आजा पास मेरे यार मेरे, तुझ बिन दिल न लगे यारा, तू है मेरा दिलदारा, आजा साथ मेरे, लगती मेरा जीवन है तू ओरे यारा, मैं तो चाहूंगा तुझको तू ही मेरी जान, तू बस गई है यूं दिल में मेरे, अब रहना साथ मेरे, आजा पास मेरे यार मेरे, तुझ बिन दिल न लगे यारा, तू है मेरा दिलदारा, आजा साथ मेरे। आजा आँखों से मेरे दिल में चुपके से, मुझसे तू कुछ न कहे, कुछ तू भी अब कह दे, ओ यारा सुन भी लो, दिल में मेरे हो तुम, आओ दिल में रख लो, प्यार भी तुझे कर लो, दिल मेरा बस तुझ पे मरता ओरे साथी मेरे, प्यार तुझे मैं कितना करता तू ना जान सके, आजा पास मेरे यार मेरे, तुझ बिन दिल न लगे यारा, तू है मेरा दिलदारा, आजा साथ मेरे। जो कहे वो कर दूं मेरे जानी, बस गए दिल में मेरे तुमसे है कहानी, तुम जो मुझसे यूं ना मिलती मैं तो खो जाता, सावन मास में दिल ये कहता पास मेरे आजा, यार मेरा सपना तो तू ही साथिया, आजा पास मेरे यार मेरे, तुझ बिन दिल न लगे यारा, तू है मेरा दिलदारा, आजा साथ मेरे, लगती मेरा जीवन है तू ओरे यारा, मैं तो चाहूंगा तुझको तू ही मेरी जान, तू बस गई है यूं दिल में मेरे, अब रहना साथ मेरे, आजा पास मेरे यार मेरे, तुझ बिन दिल न लगे यारा, तू है मेरा दिलदारा, आजा साथ मेरे। अरे चिल्ला क्यों रहा है? अरे वो यहाँ पर लेटे लेटे सपने में गिरने लगता है, कभी कभी नींद में ही उठकर चलने लगता है। हाँ हाँ वैसे सब कुछ ठीक है, आप यहाँ जल्दी से आ जाइएगा, और हाँ शंकर राव को कुछ बताना मत। हाँ कितना हुआ? 25 हुए सर। 25 रुपए हो गए? वहाँ जाने आने के लिए 150 रुपए लगेंगे, यहाँ 25 के लिए रो रहे हो, जल्दी दो। ठीक है चिल्ला क्यों रहे हो भाई? दीदी से मैंने क्या कहा पता है? तेरी चीख पूरी ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी होगी, तो मुझे नहीं सुनाई देगी? चुपचाप चल कौए। चलो सौंदर्य वाले उतरो। कल्याण बेटा तू ठीक है? मां कैसा है? कैसा है तू? बढ़िया। मेरा बेटा कल्याण का है? बोरा। क्या बे कल्याण, ठीक हो शंकर? आओ गाड़ी लाया है क्या? हाँ मां। अरे अरे आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। कामाक्षी कल्याण के माता पिता आए हैं, बैठिए बैठिए। नमस्ते जी। नमस्ते। आपके आने की बात मेरी बेटी ने बताई थी, हम लोग ही आने वाले थे लेकिन इससे पहले आप लोग ही आ गए। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। कॉफी तो मेघमाला के हाथों की पीनी चाहिए, उसके हाथों की कॉफी पीने से ऐसा लगता है जैसे आकाश में उड़ने लगे हो। हाँ मैं समझ गया। वो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? वो मंदिर गई है, बस आती ही होगी। मेरा बेटा आपके बारे में हमेशा बात करता है, कहता है सामने के घर वाले बहुत मदद करते हैं। अभी ये ब्रह्मचारी है ना, इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। हाँ देखो मेघा आ गई।
भाई की मम्मी डैडी हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये लो सबको कॉफी दे दो। बैठ जाओ बेटी। जैसे मेघा आपकी इकलौती बेटी है, ठीक वैसे ही ये हमारा इकलौता बेटा है। बाकी आप इसके बारे में सब कुछ जानते ही हैं। मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। आपका बेटा तो हीरा है। साहब जी, अगर मेरे बारे में कुछ बोला तो याद रखिएगा। हमारे बेटे ने बहुत सी लड़कियों को देखा पर कोई पसंद ही नहीं आई। पर पता नहीं आपकी बेटी को देखते ही इसने इसे पसंद कर लिया। वैसे भी हमें पता चला कि आपकी बेटी भी हमारे बेटे को पसंद करती है। हमारे बेटे का यहाँ ट्रांसफर होना एक योग ही है। इसके लिए मैसूर से लेकर मैंगलोर तक बहुत से रिश्ते देखे हम लोगों ने, लेकिन इसका हाथ थामने वाली लड़की यहाँ पर है, हमें पता ही नहीं था। मतलब भगवान ने वर वधु का कुल गोत्र जाति सब कुछ लिख करके भेज दिया है, बस आपको कार्ड पर अपना एड्रेस लिखने की जरूरत है। हाँ, हमारे बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं ये पता चलते ही अब तो हमारा बस एक ही कर्तव्य बचता है। माँ, एक मिनट के लिए अंदर आना। मेघा, क्या हो गया? ऐसे अंदर आ गई, वो सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। अगर वो शादी की बात करने आए हैं तो उन्हें जाने के लिए कह दीजिए। अरे बेटी। माँ प्लीज, आप बोलेंगी या मैं जाके बोलूं? मेघा, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, ऐसा दोबारा नहीं मिलेगा बेटा। मेघा, माफ कीजिएगा, अगर आप लोग शादी की बात करने आए हैं तो अभी के अभी यहां से चले जाइए। प्लीज। ये क्या है? तुमने तो कहा था कि ये लड़की तुम्हें पसंद करती है। एक मिनट माँ। मेघमाला, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी शादी को लेकर मेरे घर वाले कितने खुश थे तुम्हें पता है? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? जब पसंद होगे तभी कहूंगी ना कि पसंद हो। रोज कॉफी नाश्ता देती थी, वो क्या था? ये सब बिना पसंद के कर रही थी। हर दिन घर के सामने रंगोली बनाती थी, वो किस लिए? बिना पसंद के। उस दिन आकर तुमने मुझसे मेरी फोटो क्यों मांगी थी? वो भी बिना पसंद के मांगी थी। तुमने नोटबुक में लिखा था आई लव यू आई लव यू आई लव यू, वो क्या था? वो भी बिना पसंद के लिख दिया। हर शुक्रवार को सिर पर तेल लगाने के लिए लाकर देती थी ना, वो क्यों करती थी? सर पर तेल लगाने से आंखों को ठंडक मिलती है, इसीलिए लेकर आती थी। हाँ। हफ्ते में दो बार अलग अलग तरह की सब्जी बनाकर लाती थी, वो भी तुम क्या बिना पसंद के करती थी? पालक की सब्जी आंखों के लिए अच्छी होती है, इसीलिए मैंने ऐसा किया, इसीलिए। इसीलिए मुझे लाकर दिया? अपने सिर पे शैम्पू मत लगाना, उसके बदले मुझे बेसन लगाने के लिए कहती थी ना, वो किस लिए? अगर आप शैम्पू से नहाओगे तो आंखें जलती है, इसीलिए। आंखें न जले इसलिए तुमने ऐसा कहा? और जो मेरा दिल जल रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? और मैं जब से इस गांव में आया हूँ तब से मेरे पीछे पीछे घूम रही हूँ, वो किस लिए? देखो, मैंने इतना सब कुछ किया एक मदद के तौर पर, प्यार के लिए नहीं। मतलब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? है, लेकिन एक के लिए। मैं उसी से प्यार करती हूँ।
बेटा, जिंदगी में कई बार जो हम सोचते हैं वो हो नहीं पाता। इस बात को लेकर नाराज होकर मत बैठो। देखो, एक लड़के के लिए एक लड़की उस भगवान ने कहीं ना कहीं बनाई ही होगी। उस भगवान ने तेरे लिए ये लड़की नहीं बनाई है, भूल जाए इसे। एक बात समझ लो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। चलो। बेटा, इस बात के बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो। तुझे इस तरह देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है बेटा। पागल, तेरा बेटा क्या एकदम नासमझ है क्या? चल चलते हैं, चल चलते हैं बेटा। मम्मी डैडी को गए हुए एक हफ्ता हो गया। अगर तेरा दिल अभी सही नहीं है तो तू अपने मम्मी डैडी के पास आ जाना, ऐसा माँ ने कहा था। चल, ये गांव छोड़कर चलते हैं। ये लीजिए। आपको देखने के लिए मैंने ये फोटो नहीं ली थी। इतने दिन हो गए लेकिन मैंने आपकी फोटो देखी तक नहीं। आपके लिए कोई ना कोई लड़की इस दुनिया में जरूर पैदा हुई होगी। आपको जरूर कोई अच्छी सी लड़की मिल जाएगी। आप चिंता मत कीजिए। और एक बात पता है आपको, कई बार हम किसी को देखकर बिना बोले ही हंसते हैं, चाहे पहचान हो या ना हो। मैं भी बिल्कुल वैसी ही हूँ। कुछ लोगों को देखकर लगता है जैसे कि मैंने उन्हें देखा है, वो मेरे पास ही है। लेकिन पहली बार उन्हें देखने पर लगा कि कितने जन्मों का बंधन है। जैसे मैं उन्हें ना जाने कब से जानती हूँ, जैसे वो मेरी आंखों में बसे हुए हैं। और तो और, उनकी चाल, उनकी बातें, बस एक ही शब्द में कहूं तो ध्रुव तारे की तरह है वो। भगवान तुझे बहुत लंबी उम्र दे बेटा। थैंक यू माँ। हाय डैड। हे हे। आजा, कैसा है तू, क्या हालचाल? फर्स्ट क्लास हूँ डैड। आपके आशीर्वाद और भारत माता की छत्र छाया में बंदूक लिए एकदम मस्त हूँ। वेरी गुड। अरे बेटा, इतने दिनों बाद आया है और आप इसे पकड़ कर खड़े हैं। इसे खाकर आराम करने दीजिए। अरे मैंने कहाँ पकड़ के रखा है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने आज तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है। ओहो, मैं अभी आया। सुनिए, आप भी प्लेट लीजिए, परोस देती हूँ। अरे मेरा क्या है, मैं तो रोज ही खाता हूँ, पहले उसे परोसो। रुक जा, आज मैं खिलाती हूँ। सीनू, मेरे हाथों से खाना खाए तुम्हें कितने दिन हो गए ना। तो, क्या माँ, अभी मैं अभी आया हूँ ना, आप क्यों रो रही हैं? रो नहीं तो क्या करूं, मेरे दो बेटे होते तो एक को देश की सेवा के लिए भेजती और एक को घर पर रखती, अपनी सेवा करवाती। लेकिन मेरा तो तू इकलौता बेटा है। एक माँ के दर्द को तू क्या समझेगा बेटा। तेरा बेटा देश की सेवा कर रहा है, पसंद नहीं किया। बेटा देश की सेवा कर रहा है, ये किस माँ को अच्छा नहीं लगेगा। तू देश की सेवा कर, वैसे भी तेरी शादी के बाद बहू तो हमारे पास ही रहेगी ना,
वही हमारा सहारा बनेगी और फिर तेरा बेटा भी तो देश की सेवा ही करेगा। बस इतना ही ना, इस बार आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी माँ। लेकिन मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, हर बार आकर यही बात बोलकर निराश करके चला जाता है तू। देख इस बार तू शादी करके जाएगा, ये प्रॉमिस कर। ठीक है माँ, अब जो कहोगी वो। हाँ, अरे रे रे रे, देखा आखिर मान ही गया ना। इससे पहले कि ये सोच बदले, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। ये लो देखो जरा, हमारे पंडित जी ने इस लड़की की फोटो ला कर दी है हमें, जरा देख तो लो। अरे डैडी आपने देख लिया, काफी है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। बाद में कहेगा लड़की की नाक बड़ी है, मुंह छोटा है, आंखें बाहर है, ये सब हमें नहीं सुनना है। ले पहले खुद ही देख ले। और आज इसके घर चलकर सामने से इसे देख भी लेते हैं। आज ही? आज ही, अभी, इसी वक्त, राइट? कौन हो तुम लोग, क्या दंगा फसाद कर रखा है? अपने निकाल, जल्दी से निकाल, निकाल क्या रहा, निकाल, कितने पैसे, सब डालो, अभी निकाल, 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 जल्दी कर, निकाल, निकाल, काट डालूँगा, जल्दी निकाल, जल्दी कर, चल चल जल्दी कर, चलो भागो भागो यहाँ से, चलो उतरो, निकलो, चलो चल 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 जल्दी कर, चल निकाल, तक सारे निकल गए और ये सो रहे। हे हे कौन है बे, उठ उठ बे, गांव आ गया क्या? गांव नहीं आया है, हम लोग आए। तुम लोग कब आए? हमें आए हुए बहुत समय हो गया, निकाल, चल निकाल, अबे निकाल, निकाल, ओके 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 ना। हेलो, एक मिनट, चाय? मेरे पास जो कुछ भी था तुमने ले लिया, लेकिन एक चीज तो लेना तुम भूल ही गए। वो क्या है? कहीं भी मार लेना, लेकिन यहां मत मारना। वो क्यों? इसलिए। Oh,
आपका फूल, फूल सुंदर चीज हमेशा सुंदर लोगों के हाथों में ही होनी चाहिए। इट्स फॉर यू। थैंक्स। मेघमाला, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। अरे क्या हीरो साहब, आइए। जरूरत नहीं है, जिस काम के लिए आया था ना वो हो गया, तुम जाओ। पलट 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 क्या। मेघमाला, तुझे पता है वो कौन था? फिर उसे तेरा नाम कैसे पता? पता नहीं। कुछ भी हो, बहुत हैंडसम था वो। बैठ जाओ बेटी। ऐसे क्या बेटी, हम सिर्फ तुम्हें देखने के लिए इतनी दूर से यहाँ चलकर आए हैं और तुम यहाँ सर झुकाए बैठी हो। सर उठाओ बेटी। तो ये बताओ कहाँ तक पढ़ाई की है? हाई स्कूल पास किया है इसने। हाँ इतनी पढ़ी लिखी। हाँ जी। है बहुत अच्छे। अच्छा बेटी जरा एक बात तो बताओ, अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। करेक्ट। हाँ लड़की बहुत ही होशियार है। अरे होशियार हो या चतुर, अमेरिका को खोजने वाला कोलंबस है। लड़की ने गलत बताया है। अरे रे 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 रे, अमेरिका को किसी ने ढूंढा हो हमें क्या करना है? हमने तो अपने लड़के के लिए एक अच्छी लड़की खोज ली है, बस ये पॉइंट है। इसलिए कहते ना, देर आए दुरुस्त आए, और पुराने अनुभव हमेशा काम आते हैं। हमने तो लड़की को फोटो में ही देखकर पसंद कर लिया था। और अब दो दिन में हमारा लड़का भी आ जाएगा, ठीक है। उसके आते एंगेजमेंट कर देते हैं। हाँ ठीक है। चलो अब हम चलते हैं। बेटी यहाँ आओ जरा। हाँ। अमेरिका को खोजने वाला वास्को डी गामा नहीं था बेटी, कोलंबस था। अगर मेरा बेटा तुमसे यही सवाल पूछे तो यही बताना, दो दिन में मेरा बेटा आ जाएगा, उसके आने तक उसकी ये फोटो रख लो। हाँ चलो अब हम लोग चलते हैं। ठीक है ठीक है। नमस्ते। पसंद आए पसंद आए पसंद आए पसंद आए पसंद आए पसंद आए, शादी वाला लड़का पसंद आए पसंद आए पसंद आए पसंद आए। हे भगवान, मेरी जिस लड़के से शादी हो रही है, अगर वो लड़का मुझे पसंद आया तो मैं पिताजी से कहकर आपका अभिषेक करवाऊंगी और दक्षिणा भी दिलवाऊंगी, लेकिन मुझे पसंद आना चाहिए। ओके है ना? ओए, तुमसे ही पूछ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए ओके हूं ना? लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं आई, सच में तुम पसंद नहीं आई। ऐसे बालों को क्यों खुला रखा है तुमने? इसकी चोटी बनाकर फूल लगाओगी तो कितनी सुंदर लगोगी। इन कानों के लिए छोटी छोटी बालियां, बैड वेरी बैड। इसके बदले तो वो पहनना चाहिए,
क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, झुमके। उसे पहनकर जब तुम चलोगी ब्यूटीफुल लगोगी, और तुम्हारी नाक बिल्कुल मुरझाए हुए फूल की तरह है, लेकिन गुलाब की फूल की तरह सुंदर है। एक छोटी सी नथनी पहन लोगी, सुपर लगोगी। इसी तरह गाल के नीचे छोटी सी बिंदी लगा लोगी तो एक्सेलेंट लगोगी। हे हे, एक मिनट रुको। अब तक मुझे जो पसंद नहीं आया वो कहा, अब मुझे क्या पसंद है वो नहीं पूछोगी? हंसते वक्त जो तुम्हारे गाल लाल होते हैं, और शर्माने के बाद चेहरा जब शांत होता है, तुम्हारे ये होठ, ये सब देखते हुए अब जो तुम्हारे चेहरे पर रौनक आती है, उसे देखकर तो अदा को भी शर्म आ जाए। हे, तुमने किसी से प्यार किया क्या? मैंने भी नहीं किया। एक्चुअली मुझे प्यार करके शादी करने की इच्छा थी, लेकिन क्या करूं, जब तक शहर से गांव आया घर वालों ने तुम्हें पसंद कर लिया। हाँ, तुम भी अच्छी हो। हम क्यों ना एक काम करें, दोनों शादी होने तक एक दूसरे से प्यार करें। हे मेघमाला, हाय अंकल, कैसे हैं आप? देखकर तो लग रहा है कि आपको बीपी शुगर ऐसा कुछ भी नहीं है, am I right? नहीं, आप क्यों पहचाना नहीं क्या? वो लगता है फोटो में अच्छा नहीं दिख रहा था। ओह, आप हैं? अरे मुझे तो लगा कि 4 दिन लगेंगे, आप तो जल्दी आ गए। आ जाइए। आओ बेटी, लीजिए। अरे शक्कर तो बिल्कुल नहीं है। अरे है तो इसमें, मेरी कॉफी में नहीं है। मैंने तो दोनों में शक्कर डाली थी। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? ये लो पी कर देखो। है तो। सच में? हाँ। दिखाओ तो। है तो। पहले नहीं थी अंकल। अंकल कॉफी भी अच्छी है, आपकी बेटी भी अच्छी है, तो अब पॉइंट पर आते हैं। अगर कारगिल में लड़ाई हुई तो मेरे हाथ पाव सब कुछ अच्छे रहेंगे। मैंने तुमसे वो सब पूछा क्या बेटा? अब जो नहीं पूछ रहे हो वो कॉमन है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। जब कोई लड़की को देखने जाता है तो लड़के को गाना गाना आता है, खाना बनाना आता है, कि हाथ अच्छे पैर अच्छे, ये सब पूछते हैं, लेकिन लड़के से कोई कुछ नहीं पूछता। ये अनुमान तो आपको होगा ही। अगर मेरी हाइट वेट आपकी बेटी को पसंद आए तो मैं अपने डैड से लड़ाई करके भी आपकी बेटी से शादी करूंगा, क्या कहते हैं? ठीक है बेटा, चलता हूं अंकल। बाय बाय आंटी। हाँ बाय। मैं बहुत अच्छी हूँ क्या? अच्छी तो हो। ये जो नाक में लॉन्ग है, ब्यूटीफुल। ये झुमके, एक्सेलेंट। ये टीका, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। सब सही है, लेकिन एक बार तो आई लव यू कह सकती हो ना? प्लीज। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हम दोनों को मिले हुए 1 हफ्ता हो चुका है। हम दोनों रोज रोज मिल तो रहे हैं, लेकिन तुमने एक भी दिन आई लव यू नहीं कहा। तुम क्या सोचती हो, क्या नहीं सोचती हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, कपड़े भी अच्छे से धोती हूँ, रंगोली भी अच्छी बनाती हूँ। अरे वो सब तो सबको आता है यार। ओके जाने दो, कैरम खेलना आता है तुम्हें? लंगड़ी खेलना आता है। लंगड़ी खेलना आता है? कार्ड्स खेलना आता है क्या? प्लेइंग कार्ड्स? वही स्पिट स्पिट। अरे रे रे, बाप रे बाप। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें पतंग उड़ाना आता है? कंचे? गिल्ली डंडा? लट्टू? श्रीनिवास,
धोखा खा गया तू, फिसल गया रे। अरे रे, सब सीख लूंगी। क्या? आप सिखाओगे तो सब सीख लूंगी। चलो अपना हाथ दो, जल्दी दो। आखिरकार तुम्हें लट्टू सिखाई दिया। मेघा, इस बार तो मुझे आई लव यू बोल दो ना, प्लीज प्लीज। मेघा, नहीं बोलोगी? ओके, मैं ही बोलता हूँ। मेघा, आई लव यू। तुम शर्मा रही हो, उसके लिए भी आई लव यू। तुम स्माइल कर रही हो ना, उसके लिए भी आई लव यू। ए मेघा, संभल कर, ये जो तुम भाग रही हो ना, उसके लिए भी आई लव यू। इतना ही नहीं, मैं सातों जन तक तुम्हें प्यार करूंगा। आई लव यू। हाँ, मैं तुमसे ही प्यार करूंगा। यारा पास मेरे है तू, मैं क्या कहूँ। आजा बाहों में तू मेरे, और क्या कहूँ। मेरी हो तुम दुनिया कैसे कह दे, दिल मेरा खोया है कैसे कहे। जन्मों जन्म से बस तुम थे मेरे, हम तो तेरे लिए है जन्मे। मेरे दिल में है तू यारा, पास मेरे है तू, मैं क्या कहूँ। आजा बाहों में तू मेरे, और क्या कहूँ। ऐसे कहाँ चल दी, क्यों है इतनी जल्दी। आजा तुझे देख लूं, मुझको जो ना मिलती दुनिया कैसे चलती। कैसे मैं ये सोच लूं, तुमको पाकर ही है सब कुछ पाया। तू ही मेरी दुनिया है, सुन ले यारा। पूरे जहां में कोई तुझसा कहां, मैं तो तुझे चाहूंगा हरदम यारा। दिल में मेरे सिर्फ तू, मेरी तो दुनिया है तू। यारा पास मेरे है तू, मैं क्या कहूँ। आजा बाहों में तू मेरे, और क्या कहूँ। सांसों में तू बसती, यादों में तू हंसती, मेरी सारी बातें तू। तुझसे है दिलदारी, तू ही दुनिया सारी। तुझे ही मैं देखा करूं, आंखों में तू रहती हर पल मेरे। दिल की तू ही मेरे धड़कन भी है, तुझसे ही चाहत है, तुझसे यारी। तुझको ही पाना ओ साथी मेरे, बस है मेरा कहीं मैं ना जाने दूँ। यारा पास मेरे है तू, मैं क्या कहूँ। आजा बाहों में तू मेरे, और क्या कहूँ। मेरी हो तुम दुनिया कैसे कह दे, दिल मेरा खोया है कैसे कहे। जन्मों जन्म से बस तुम थे मेरे,
हम तो तेरे लिए है जन्म, मेरे दिल में है तू यारा, पास मेरे है तू, मैं क्या कहूँ, आ जा बाहों में तू मेरे और क्या कहूँ। आने वाले रविवार को हमारे गांव में देवी का जागरण है, पूरे गांव के लोग ये त्योहार मनाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर आप सभी लोग हमारे यहां पधारें। अरे त्योहार का खाना हम कैसे छोड़ेंगे, चलिए हाथ पैर धो लीजिए, खाना खाते हैं। अरे उसकी जरूरत नहीं, मैं खाना खाकर आया हूं। खाना नहीं खा रहे तो कॉफी पिला दो। नहीं रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। यहां पर आते वक्त रास्ते में सभी रिश्तेदारों के यहां कॉफी पी पी कर पेट भर गया है। आप लोगों को पक्का आना होगा, हम सभी लोगों को आपका इंतजार रहेगा। अब मैं चलता हूँ। अच्छा सुनिए, याद रखिएगा दामाजी को लेकर आइएगा, उन्हें भूलिएगा मत, ठीक है? हाँ वो जरूर आएगा, बारिश आने वाली है, आप अभी जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। जी ठीक है ठीक है। क्यों जी? हाँ? शनिवार तक आपका काम खत्म हो जाएगा ना? नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं, संडे को त्योहार के लिए समधी जी के घर जा सके इसलिए। समधी? वो किस तरह का समधी है? तुम अपने मुंह पर ताला लगाओ। प्यार से खाने को कहा लेकिन उसने खाने से हमारे मुंह पे इनकार कर दिया। उसे कॉफी पीने को कहा उसके बावजूद वो ऐसे ही चला गया। हम लोगों ने सिर्फ उसकी लड़की को ही देखा है, शादी नहीं की अभी तक उससे। ए सिनू, सिनू मैं यहीं पे हूं। तू यहां पर है? त्योहार पर अगर तू उस लड़की से मिलने उसके घर पर गया ना तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, समझ गया? माँ, डैडी का बीपी हाई हो गया क्या? मुझे क्या पता, बेचारे समधी जी इतनी दूर से बुलाने के लिए आए थे, नहीं जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या? मम्मी डैडी को समझा। मैं? नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे मार डालेंगे वो। बुरा फंस गया तू श्रीनिवास। अरे तुम भी। नमस्ते नमस्ते। ये क्या है जी, सब लोग आ रहे हैं लेकिन समधी जी नहीं आए। अरे मैं तो खुद जाकर उन्हें यहाँ आने के लिए कह के आया हूँ। मेघमाला किसी को ढूंढ रही है लग रहा है। किसी को भी ऐसा तो नहीं। वो देखिए आ गए समधि जी। नमस्ते, आइए आइए। अरे आप तो अकेले आए हैं। उन्हें कुछ काम था और मुझे भी एक काम था तो दिल नहीं मान रहा था, इसलिए सोचा चलो मैं ही आपसे मिलने चला आता हूँ। चलिए आप आए तो सही, आइए। हाँ आइए। हाँ ठीक है। सारे काम हो गए मालिक। हाँ बाकी सब ठीक से देख लेना। ठीक है ना? ठीक है। हाँ मैं सामान लेके जल्दी आ जाऊंगा। हाँ। अरे सुनिए दमाजी की माँ आ गई। ओ नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। मैं अकेली आई हूँ। मेरा बेटा और मेरे पति एक अर्जेंट काम से बैंगलोर गए हैं। वो लोग नहीं आ पाए इसलिए। कोई नहीं आएगा, मैं तो ये सोच रही थी। शुक्र है आप आ गई। खड़ी क्यों है, अंदर आइए ना। आइए। वो लोग बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तुम जाकर उन पर ध्यान दो। ठीक है। वो आ गए। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते जी, मैं अकेला आया। मेरे डैडी मम्मी। पता है पता है पता है। वही आपके मम्मी पापा को अर्जेंट काम के लिए बेंगलोर जाना पड़ा और आप अपने दिल को रोक नहीं पाए इसलिए आ गए ना। यू राइट। लेकिन आपको कैसे पता चला? ये तो सबको पता है ना पापा। अंदर लेकर जाओ बेटी। हाँ जाओ। अच्छे हो ना बेटा। अच्छा हूँ जी। सुनिए यहाँ आइए। क्या हुआ? ये क्या है, सब कह रहे हैं अकेले आया हूँ अकेले आया हूँ, ये सब लोग अलग अलग क्यों आ रहे हैं? अरे वो लोग एक दूसरे से झगड़ा करके आए होंगे, जब तक वो लोग यहाँ पर हैं एक दूसरे को देख ना पाए। ठीक है ठीक है। चलो क्या कर रहा है, देख के चला करना। ठीक है भैया। कैसा आदमी आंखें बंद करके चल रहा है। उठा कर लाओ, उठा कर लाओ, जल्दी करो, सारा काम मुझे ही देखना होता है। इधर 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 इधर। क्या है भैया? मेरा पान लाया तू? कौन सा पान, खाने का या केले का? क्या बे चिटकोट, तेरे को मजाक सूझ रहा है? मैंने पूछा खाने वाला पान।
देख मटन में चिकन डालना और फिर चिकन में मटन डालना, लेकिन नमक मसाला डालना मत भूलना, समझ गए तुम? और अगर खाने पीने में कुछ ज्यादा कम हुआ तो हमारी मान मर्यादा सब कुछ चली जाएगी। निकल जाना। आप इसे इतना क्यों काट रहे हैं? हमारे घर में आज यही स्पेशल है। सुन, उधर जाओ और जाके उस कमरे से आओ। ये सारी सब्जियां हमारे खेत की हैं। अच्छा, हाँ जी। ए दीदी को कोल्ड ड्रिंक लाकर दो ना। अभी लाता हूँ। हमारी माला की सास बनने वाली है ये। अच्छा ऐसा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मेरे पति और मेरा बेटा एक अर्जेंट काम से बैंगलोर चले गए, इसीलिए मैं ही आई। कोई बात नहीं, आप आ गई इसी की खुशी है हमें। वैसे माँ जी, आपसे एक बात कहनी थी। हमारे घर में एक लौती बेटी है। हाँ? उसके लिए दो दो रिश्ते आए हैं। मुंह बंद कर, अपनी मेगा के लिए एक ही रिश्ता देखा है और वो ये है। बड़ों के सामने बकवास मत कर, चुपचाप कोल्ड ड्रिंक दे। आप लीजिए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? यहाँ ये अपना रिश्ता लिए बैठी है और वहाँ वो अपना रिश्ता लिए बैठे है, ऐसा कैसे हो सकता है? मालिक, मालिक जी, ए मालिक, मालिक पूरा घर बर्बाद होने वाला है। अरे रे 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 रे, हमारे घर में एक ही इकलौती बेटी है, फिर उसका दो जगह रिश्ता कैसे हो सकता है? क्या बकवास कर रहे हैं? मालिक आपको देखा तो आप इनके साथ अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं और मेम साहब वहाँ किसी और के साथ अपना रिश्ता जोड़ रही है, कैसे हो सकता है? अरे तू जाना यहाँ से। जाके क्या होगा, वहाँ जो संधन जी बैठी है उनकी पहचान इनसे करा दो। ए, मारो जी। आओ। अरे नहीं, नहीं, नहीं। मैंने तो कार्ड को मारने के लिए कहा था, आप उसे क्यों मार रहे हो? अरे इसने ना गलती से खीर में शक्कर की जगह गुड़ डाल दिया, आप गलत समझ लोगे इसलिए। अरे अच्छा ही हुआ ना, बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा? हाँ अच्छा लगेगा। जा तू। जी वो चलो। यही मेरा रूम है। वाओ, गुड, ब्यूटीफुल। क्या बात है, गांव की लड़की में भी टेस्ट है। मतलब गांव की लड़की मॉडर्न नहीं हो सकती क्या? क्या बात है, खूब गुस्सा भी आता है लेकिन गुस्से में तुम ज्यादा खूबसूरत दिखती हो। अरे ये क्या किया, मेरे चेहरे को काट कर सिर्फ मेरी आंखों को चिपकाया तुमने? आपकी आंखें बहुत ही सुंदर हैं। क्या मतलब, मेरा चेहरा पसंद नहीं है क्या? आपका चेहरा पसंद है, आपके चेहरे में सबसे अच्छी आपकी आंखें ही हैं। आपकी आंखों को हमेशा देखने का मन करता रहता है। एटलीस्ट उन आंखों को देखकर तो आई लव यू कह दो आप। वो मेरा प्लीज एक बार कह दो ना। एक मिनट आती हूँ। अरे रुको। अरे तुम भाग के क्यों आ रही हो बेटी? कुछ नहीं। अच्छा वैसे ये बताओ तुम ऊपर क्यों जा रहे थे? वो मैं हाथ में तेल लगाने के लिए जा रहा था। क्या बात है, तुम्हारे गांव वाले भी जोक मारते हैं। ये सुबना है, हमारे बहुत ही नजदीकी है, हमारे घर के सारे कामकाज यही देखते हैं। Hi, pleased to meet you. मार खाकर meet you. वैसे बेटी ये है कौन? क्या है ये, किस तरह की बातें कर रहे हो? यही है जो मुझसे शादी करने वाला है। शादी? एक दो और तीन। अगर मैं बता दूंगा तो घर में महाभारत शुरू हो जाएगी, मुझे तेल नहीं लगाना। अरे बाप रे, मालिक जी, मालिक जी, हमारा घर साथ में बर्बाद हो रहा है मालिक। अरे एक छोड़ो, दो छोड़ो, तीन तीन दामाद है यहाँ पर मालिक। आपकी बेटी मुझे एक लड़के से मिलवा रही है, आपकी पत्नी मुझे समधन से मिलवा रही है, आप मुझे इनसे मिलवा रहे हैं। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं इस घर में क्या चल रहा है, फट जाएगा मेरा सिर। बाप रे बाप। आपने उसे दोबारा क्यों मार दिया? मैंने बचपन से इसे पाला है ना, थोड़ा सा पागल है ये। अच्छा ऐसा है। अरे जा जा, जाकर काम संभाल, चल जा। पागल जब से आए हैं कुछ नहीं खाया, कम से कम ये खीर खा लीजिए। पहली पंक्ति का खाना हो चुका है। पहली पंक्ति का खाना शुरू हो गया है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। खाना खाओगे? पहली पंक्ति में खाना खाने की आदत हमारी फैमिली में किसी को नहीं है, मुझे सबको खाना खिलाना है। देखो खिलाने के लिए हम बहुत लोग हैं, आप क्यों जा रहे हैं? अरे मैं इस घर का दामाद बनने वाला हूँ, अब अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। इसीलिए अगर तुम्हें खाना खाना है तो मैं अभी खिलाता हूँ, चलो। अरे उस तरफ मत जाओ। ठीक है तो इस तरफ जाता हूँ। ला इधर दे। तू है क्या? हाँ मैं हूँ। वैसे ये बता, उन्होंने तुझे मारा क्यों? और क्या करें जी, अब जब एक लड़की के लिए तीन तीन लड़के घूम रहे हैं तो इस फैमिली को क्या कहें, पागल ही कहेंगे ना। हाँ लेकिन उन्होंने तो तेरी शक्ल पर मारा ना। देखिए ना, अगर मैं होता ना तो मैं तुझे उसी जगह पर मारता। आपको झोर दूं क्या? थोड़ा सा। हाँ समझी जी,
आपको मेरी बात का भरोसा नहीं था? जरा वहाँ देखिए, तीसरे नंबर का दामाद उधर खड़ा है। है? काका और झोर लेंगे? क्यों, पीस नहीं है क्या? है ना काका, पर आपके दांत नहीं है। अरे तो डाल दो, मैं खा लूंगा उसको भी। इनको पहले से जानते हैं क्या? अरे तू चुप रहे ना। अरे सोमे जी पता नीचे रखो, चावल डालना है। मैं ले लूंगा, अभी तू जा। पंक्ति में बैठ कर बाद में बोलेगा तो कैसे चलेगा? नीचे रखिए। अरे अरे रखिए ना, ये लीजिए। आपको देंगे ना, मुझे देंगे। मुंह पे पत्तल रखने से किसी को कोई चावल देगा क्या? हैं बताइए, आप कोई तरीका? जजमान जी झोर दूं क्या? हाँ डाल बेटा। और पीस? हाँ डाल दे। सर मुझे पहले से इस फैमिली पर डाउट था सर। क्या? मेरे मालिक तीन तीन लोगों के साथ रिश्ता कर रहे हैं। हाँ। तीन तीन दामाद हैं, उनमें से पहले दामाद के पिताजी ये रहे। ए, मेरे को तो परोसो। अरे दे दो, परोस लो। अरे ठीक है। ए, रे, 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 रे। ये सांबर तेरा बाप परसेगा क्या? ये आदमी ऐसी शक्ल क्यों बना रहा है? आपको सांबर चाहिए क्या? चुपचाप खाना खा तू। चलो खाना खाने चलो, चलो। मेगा मेगा कम। क्या हुआ? क्या हो गया? और क्या होगा, बाहर गया तो मैं डैड के हाथ लग गया। इसीलिए मैंने मना किया था। मना तो किया था, ये नहीं बताया था कि डैड मिलेंगे। छे यार जाने दो, एटलीस्ट इस बात पे तो आई लव यू बोल दो। मेगा आती हूँ माँ। जो भी चाहिए बताइए, आराम से खाइए, शर्माइए मत, आराम से खाइए। हाँ धैर्य से खाइए। मिस्टर धैर्य कम यार, कम। क्या हुआ भाई? बैठ जा। धैर्य से खाने को कहा? हाँ, मैंने कहा कुछ भी पूछ सकता। हाँ, क्या चाहिए बोलिए भाई। नाराज तो नहीं होगा ना? कुछ नहीं भाई। पिछले हफ्ते तेरी बीबी जो भाग गई थी वो वापस आ गई क्या? सर सबको धैर्य रखने के लिए बोलता है, मैंने पूछा तो धैर्य ही गायब हो गई, चला गया। चुपचाप खा रखा। ये घर वाले चाहे जैसे हो, खाना बहुत मस्त बनवाते हैं ना। आप उठोगे या दूसरी पंक्ति में कंटिन्यू करोगे? सिर्फ खाने का ही काम है। ये क्या है उसमें? खीर है तो डालना। अरे रे। खाना बहुत बढ़िया बनाया, शाम के लिए भी रख देना ना। ठीक है। आए। अच्छा आप यहाँ पर हैं? जब मैंने कहा तो कोई मान ही नहीं रहा। दूसरे लड़के की माता जी जरा इस तरफ थोड़ा टर्न कीजिए प्लीज प्लीज। अरे मुड़िए ना, अरे मुड़िए ना, मुड़िए। इधर आइए, आइए माता जी, आइए आपको मिलवाता हूँ। ये रहे पहले लड़के के पिताजी। सर ये रही दूसरे लड़के की माता जी। अब कल को आपके बीच कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने मिलवा दिया। सो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व, बाय बाय। जरा रुको, यहाँ पर आओ। ये पत्ता कौन तेरा पति आकर उठाएगा? चल उठा। मैं घर का बड़ा हूँ इसलिए हजार बार कहा कि उस घर में किसी कीमत पे मत जाना। मैंने कितनी बार कही थी ये बात लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। वहाँ जाकर तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती की और तुम तो वहाँ पर जाकर झूठे पत्तल उठा रही थी, उठाती जा रही थी, उठाती जा रही थी, जैसे खुद का घर हो। और आपका क्या? हाँ खीर अच्छी है, खीर अच्छी है कहकर पूरा का पूरा पतीला चाट गया। ये भी तो वहाँ पर सर्वेंट्स की तरह वहाँ परोसगारी कर रहा था, तो उसे पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? परोसने से क्या हो गया, इसके लिए इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? आपके नाम पर खाना खाने नहीं गए थे, लड़की पसंद आई, हमारा देखने का मन किया इसीलिए चले गए। मैं भी वहाँ पर कोई खीर खाने नहीं गया था। हा? मैं भी उसी के लिए गया था वहाँ। सुनिए जी, हम सिर्फ लड़की को देख कर आए हैं, अभी सगाई अभी तक नहीं करवाई। वो लड़की सोने की गुड़िया की तरह है। अगर हम ऐसे ही लेट करते रहेंगे तो वो लोग कोई और रिश्ता ढूंढ लेंगे। सुनिए आप जाकर सगाई की तारीख फिक्स करवाइए। प्लीज डैड, आप अभी जाकर पंडित जी से मिलकर इमीडिएटली। डब्बा पंडित नहीं है वो, गुंगू पंडित नाम है उसका। अरे जब जाना है जाइए। थैंक यू माँ। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम महाविष्णुवे नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः।
ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज श्रीमान रामास्वामी श्रीमती कामाक्षी की सौभाग्यवती बेटी श्रीमान कृष्णराय और श्रीमती लक्ष्मी के बेटे चिरंजीवी श्रीनिवास को देकर शुभ विवाह करने का ये आयोजन हो रहा है। तेरा होने वाला पति बहुत नौटी है, सच है ना? मुझे पता है, शादी से पहले सब जान लेना अच्छा होता है ना। ओहो, दुल्हन के चेहरे पर शर्म तो देखो। उनके बारे में पता है, तू क्यों चिंता करती है? कहाँ गए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ यार, लड़का कैसा है? बहुत अच्छे हैं। थोड़े थोड़े काले नहीं लगे? मुझे काला पसंद है। इट्स ओके, इस बात पे गुस्सा क्यों कर रही हो? तो कुछ भी कहे, तेरे लिए वो लड़का अच्छा नहीं है। मीना चुप कर। अरे आप यहाँ से जाइए। नहीं, ये सिरू का है, यही कहीं होगा। वो देखिए। ए सिरू, डैडी मैं यहाँ नहीं हूँ। अरे ओ बेटी, जरा भेज दो उसे यहाँ। मुझे नहीं पता ससुर जी। ए, वो जो तुम्हारे पीछे छुपा है मुझे पता है, उसे जल्दी भेजो बेटी। अरे रे रे श्रीनिवास जी, आ जाइए ना यहाँ। रुके रुके, एक मिनट एक मिनट। क्या हुआ रफीक, अच्छा है ना तू? अच्छा हूँ। अच्छा हुआ रास्ते में मिल गया। इस महीने की 14 तारीख को मेरी शादी है, आ जाना और ये लेटर उनको देना। जरूर दे दूंगा, आपका टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम? हाँ। अभी तक इनविटेशन भेजा नहीं और ऑलरेडी टेलीग्राम आ गया। चलता हूँ सर। ओके। सीनू, ये क्या कर रहा है तू? शादी के गार्ड पूरे गांव में बट चुके हैं बेटा, शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं और तू अभी कारगिल जाने के लिए तैयार हो गया? जाना ही पड़ेगा डैडी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुझे इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। अरे समधी जी ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? सीनू, इस बार तू पक्का शादी करके ही जाएगा, ऐसा वादा किया था ना? माँ, आपसे पहले मैंने भारत माँ को वचन दिया है और मेरे लिए परिवार से बढ़कर मेरा देश है माँ। रोकिए मत उसे, उसने कहा कि वो 2 महीने में वापस आ जाएगा। इस महीने होने वाली शादी अब 2 महीने बाद हो जाएगी, तो क्या आप हमारी समधन नहीं बनेंगी क्या? और ये हमारे दामाद नहीं बनेंगे? लेकिन आप, अरे देखिए, 2 महीना क्या, 2 साल इंतजार कर लूंगा, तब भी आप हमारे समधी रहेंगे और ये हमारे दामाद रहेंगे, इसे कोई भी नहीं बदल सकता। दामाद जी आप जाइए। थैंक्स अंकल, चलता हूँ। नमस्ते। देखो, उनकी नजरों में हमारी शादी 2 महीने बाद है, लेकिन मेरी नजरों में मैंने तुम्हें जिस दिन देखा था उसी दिन हमारी शादी हो गई थी। हे, ये क्या है? एक सैनिक के सामने आंसू बह रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा प्यार ही मेरी शक्ति है। अब जाऊं? स्टेशन तक मैं आपको छोड़ने आ सकती हूँ? आपके साथ आपको एक बात बतानी है। चलो। कितने का भैया? हाँ ठीक है। अरे बाप रे, चलो 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 चलो
नहीं मैं नहीं जाऊंगा। चलो भागो भागो इधर से भागो चल। हमेशा ये झंडा ऐसे ही लहराता रहे, इसीलिए बॉर्डर पर हजारों सैनिक दिन रात तैनात रहते हैं। और कोई थर्ड क्लास आदमी यहाँ पर मर जाता है तो उसकी वजह से तुम लोग इसे निकालने के लिए तैयार हो। ए, माँ और बेटे के रिश्ते को पवित्र करने वाला माँ का दूध होता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सब भारतीय हैं और उसका कारण है ये झंडा। सल्यूट करो, करो! स्टेशन तो आ गया, अब ये बताओ तुम्हें क्या कहना है? वो बोलो ना जल्दी, टाइम हो रहा है, ट्रेन आती होगी। बताओ। आई लव यू। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं कहा मैंने। नहीं, कुछ तो कहा है तुमने। कुछ नहीं कहा मैंने। मेघा प्लीज एक बार कह दो ना, प्लीज। अरे तुम गाड़ी चलाओ, कुछ नहीं कहा। एक बार कह दो ना। शर्म आ रही है। अरे सामने देख, लॉरी खड़ी हुई है। ए सिनू, I love you.
आके सिर्फ एक बार आई लव यू कह दो, लेकिन तब मैं नहीं कह पाई। लेकिन अब मैं राम के नाम की तरह हर रोज दिन में 100 बार आई लव यू लिख रही हूँ, और पागलों की तरह मैं अभी भी आई लव यू चीख रही हूँ, चीख रही हूँ। उस दिन आपने मेरी लिखी हुई बुक देखी थी ना, कागज के ऊपर मेरी राइटिंग देखी, लेकिन मेरी जिंदगी का दुख नहीं देखा। आपने मेरी सांसों में उनकी सांसें नहीं देखी। एक्सीडेंट में मैं बेहोश हो गई, 5 दिन बाद हॉस्पिटल के बेड पर मेरी आंखें खुली तो मैंने सबसे पूछा तो सबने कहा वो मर गए। मैं मर जाऊंगी। आखिरकार मैंने कहा उनकी शक्ल तो दिखा दो, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ उनके खून से लथपथ उनके कपड़े ही दिखाए। एक्सीडेंट में मेरा पैर टूट गया था, 25 दिन हॉस्पिटल में ही रही। जब मैंने पहली बार आपको देखा था वहां पर। सॉरी सिस्टर। इट्स ओके, चलिए। अभी अभी जो पेशेंट गया वो उसी बस में था जिसका एक्सीडेंट हुआ। बेचारा, उसकी आंखों में कांच घुस जाने से उसने अपनी दोनों आंखें खो दी, लेकिन उसका नसीब बहुत अच्छा है, उसे उसकी आंखें वापस मिल गई। वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी आंखें किसी दूसरे इंसान के काम आ गई हैं। आपके जो होने वाले पति थे उन्होंने अपनी आंखें दान की हैं, उन्हीं की आंखें इस पेशेंट को लगी हैं। सिस्टर, मुझे उनके वार्ड में ले जा सकती हैं? ठीक है। ये सब होने के बाद कब आपकी पट्टी खुलेगी वो जाकर देखती रहती थी मैं। एक दिन जब आप वार्ड में नहीं थे, जब मैंने पूछा तो पता चला आपका डिस्चार्ज हो गया। फिर मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं बहुत चिल्लाई, बहुत रोई। इस दुनिया में मेरे लिए उनकी ये आंखें, उनकी आंखें ही बची हैं। ये बात किसी को नहीं बताती मैं। हॉस्पिटल से घर आने के बाद उनकी याद के तौर पर रहने वाली मेरे पास उनकी आंखों की फोटो ही थी। वो देखने के लिए मैं भाग कर आई। मेघा, मैं यहाँ हूँ बेटा। माँ, क्या हुआ बेटी, परेशान क्यों हो? वो मैंने दीवार पर लगाई थी ना उनकी आंखें, वो कहाँ गई वो फोटो बताओ। वो तो वहीं पर थी बेटा। वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे कहीं, उन्होंने तो मेघा, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, ठीक से पकड़ो। पतंग बहुत ऊपर चली गई ना। हाँ, अब तू ना मांझा काट दे। सुनो, मेरे रूम में अंकल की आंखों की फोटो थी ना, तुम लोगों ने किसी ने देखी? दीदी, उसे तो पतंग के ऊपर चिपका के उड़ा दिया। हटो यहाँ से। Oh, my God.
पागल कहीं के, मेरे पास उनकी एक ही याद थी, उसे भी बर्बाद कर दिया। इसीलिए हमने उनकी आंखों को पतंग पे चिपका के उड़ा दिया। हम लोगों ने कहा कि अंकल आप जल्दी आ जाइए, दीदी बहुत रोती है। दीदी हमने गलत किया? नहीं, नहीं, नहीं। मेरे साथ उनकी आखिरी याद नहीं बची, लेकिन मेरे दिल के कोने कोने में हमेशा से उनकी यादें बसी हुई हैं अभी तक। और आपका हमारे ही गांव में ट्रांसफर हो गया और आप मेरे सामने ही आ जाओगे, ये मैंने सोचा नहीं था। इतने दिनों में कॉफी देने के बहाने या फिर किसी और बहाने मैं आपके घर आती थी सिर्फ उन आंखों को देखने के लिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद कोई औरत दूसरे से कैसे प्यार कर सकती है? अपने दिल में वो किसी दूसरे को कैसे बसा सकती है? अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अगर अब भी मैं आपके दिल में हूं तो प्लीज मुझे भूल जाइए। ठंडा पानी आंखों के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए गर्म पानी लाई हूँ। सर पर तेल लगाकर नहाओगे तो आपकी आंखें अच्छी होंगी। पालक की सब्जी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर सिर पर शैम्पू लगाओगे तो आंखों को तकलीफ होगी। देखा ना भाई, इस फोटो से अपनी प्यारी आंखें निकाल कर बाकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है बोलकर देकर चली गई। ये प्यार तो इन आंखों से ही शुरू हुआ है, लेकिन आज मैं आंखें पाकर भी मैं अंधा हो गया हूं। कंची कामाक्षी मीनाक्षी संगेरी रूपम आपके दरवाजे पर खड़ी है स्वामी। मैसूर चामुंडी बेंगलोर की माँ आपको खड़े होकर देख रही है स्वामी। वो सब लोग क्या कह रहे हैं स्वामी जी? आपके घर में संपत्ति आएगी, बहुत सारे पैसे आएंगे स्वामी। ओ, ऐसा है तो अंदर आइए आइए आइए। मैं जो कह रहा हूँ वो जरूर सच होगा। वो सब अंदर कहना ठीक है स्वामी। आइए 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 बैठिए। ढूंगी कहीं के, मेरे घर में महालक्ष्मी आएगी। अरे आने वाली अन्नपूर्णा नहीं आई, यहाँ पर हम लोग सुबह से बिना कॉफी नाश्ता के मर रहे हैं और तू यहाँ पर कुछ भी बोल रहा है। अगर तू इस गली में दोबारा दिखाई भी दिया ना तो ऐसा हाल करूंगा कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा। चल निकल 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 यहाँ से, चल निकल। ढूंगी कहीं का, एक मिनट, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आपके श्रीनिवास को मैंने नहीं देखा, लेकिन उनकी आंखों से मैं आपको देख रहा हूं।
एक बार सोचिए, अगर गुजरे हुए श्रीनिवास की जगह मैं होता तो, और मेरी जगह श्रीनिवास होते, तो वो क्या बोलते मैं कहूं? आई लव यू। आई लव यू। इतने दिनों से मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था, लेकिन जब आपके बारे में पता चला तो मैंने भगवान से आपके लिए दिल से प्रार्थना की कि आप सही सलामत रहें। जब आप बारिश में भीगोगी तब मैं छाता बनने की ख्वाहिश रखता हूं। जिंदगी भर आपका सहारा बनकर साथ में रहना चाहता हूं। वो इस जन्म में मुमकिन नहीं है। प्यार करना सिर्फ सहारा देना ही नहीं होता है। जो दर्द मेरे अंदर है उसे तुम शांत नहीं कर सकते। प्यार सूरज की तरह है, दोपहर में तेज होकर शाम को डूबना ही नहीं होता, वो सुबह निकलकर भी आता है बिना किसी के रोके। मेरा प्यार कोई खिलौना नहीं है जिसे जब चाहूं बांट लूं, जब चाहे इस्तेमाल कर लूं। मैंने उन्हें दिल में बसा कर रखा है और ये अनुभव असली प्यार में ही पता चलता है। आपको जितना पता है उसके हिसाब से मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक कहानी हो सकती है, शायद इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सच कहूं तो मेरे लिए वो ना कभी खत्म होगा और ना ही कभी पैदा। बेटी हाँ? सामने वाले घर में ताला लगा है, वो लोग आ जाएंगे तो ये चिट्ठी दे देना। ठीक है। छे, क्या समय आ गया है भाई। आंखें खुलते ही कॉफी मिल जाती थी और कभी कभी खीर भी। त्योहार ना होने पर भी खाना आ जाता था, लेकिन अब एक सिंगल कॉफी के लिए हमें पूरा गांव घूमना पड़ रहा है। हाँ? कर्म का फल इसी को कहते हैं। अरे बापरे। यहाँ, यही, थोड़ा आगे। कहाँ? यही आगे खड़ा हूँ तुम्हारे। कहाँ हो? मेघा। अरे कहाँ हो? आगे, थोड़ा आगे। कहाँ हो? अरे कहाँ हो आप? अरे कहाँ? आ जा। कहाँ? आगे आती रहो। हार गई क्या? अच्छा सॉरी बाबा। अच्छा मेघा, अगर मैं जिंदगी भर के लिए अंधा हो गया तो तुम क्या करोगी? ठीक है बोलकर अपना लूंगी। अपना लूंगी? ये कैसे होगा, नजर नहीं आएगा तो फिर तुम कैसे अपना लोगी? अंधी तो मैं हूं ना, आपको तो दिखाई देगा ही, वही आंखें मुझे नहीं चलाएंगी क्या? आप देख रहे हो तो मैं देख रही हूँ, मेरे लिए वही काफी है। आपकी आंखों के सहारे मैं जीवन गुजार लूंगी। मेरे लिए आपकी आंखें ही सब कुछ हैं। सर टेलीग्राम। ठीक हो ना? यहाँ पर साइन कर दीजिए। काम खत्म हो गया ना? खत्म हो गया सर। तो कब से शुरू करोगे? पता नहीं सर। ठीक है जा। हाँ भाई। मदर सीरियस कम इमीडिएटली। माँ को क्या हुआ? कितने हुए? 33 रुपए दे दीजिए।
ये दिया उठाकर वहाँ रख दो। अरे वहाँ पर मैडम जी, इस केले को कहाँ रख दो? समझ में नहीं आता है क्या? वहाँ रख दो ना। माँ कल्याण, तू आ गया बेटा। ओहो, तोड़ दिया ना, कितनी बार कहा है संभल कर उठाया करो। ठीक है ठीक है, साफ कर दो इसे, जाओ। माँ कल्याण, तुम्हें क्या हुआ? माँ मुझे क्या हुआ है बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देख मुझे एक खत मिला जिसमें लिखा था कि आप बीमार हैं। और क्या करूँ, दो दिनों में जिसकी शादी है, अगर वो लड़का घर ना आए तो सीरियस नहीं हूँ, सुख से हूँ, ये लिख कर भेजूँ क्या? शादी किसकी? और किसकी, तुम्हारे पापा की। ए, मेरी। देख बेटा, तूने ही फोटो देखकर हाँ कहकर खत लिखा था ना मुझे, उसी लड़की के साथ मैंने तेरी शादी तय कर दी है। क्या? अब तो तू खुश है ना बेटा? देखिए, मैंने किसी लड़की की फोटो नहीं देखी और मैंने आपको कोई खत नहीं लिखा। तूने नहीं लिखा था? रुक दिखाती हूँ। ए, हाँ? कहीं वो खत तूने तो नहीं लिखा? मैंने कभी अपनी माँ को नहीं लिखा, तो तुम्हारी माँ को कैसे लिखूंगा? ये देख, तेरा ही लिखा हुआ खत है ये। प्यारी माँ, तुमने जिस लड़की की फोटो भेजी है वो मुझे बहुत पसंद है, उनके मम्मी डैडी से बात करके शादी फिक्स कर दीजिए, मुहूर्त निकालकर बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। आपका बेटा कल्याण। माँ मैं सच कह रहा हूं, ये खत मैंने नहीं लिखा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। कर नहीं सकता? क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता उसने कह दिया ना। क्यों नहीं करेगा शादी, ये बताना पड़ेगा। नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता। मना करने से पहले ये बता कि इस लड़की में कमी क्या है। मैं लड़की की बात नहीं कर रहा, किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा मैं। माँ ये तूने लिखा है या नहीं ये मुझे नहीं पता। देख बात भी हो गई है और मुहूर्त भी तय हो चुका है, पूरे गांव में शादी के कार्ड भी बढ़ चुके हैं, ये लड़की तेरे लिए है और इसी से तेरी शादी भी होगी। नमस्कार सर। ओ नमस्ते। हम जैसे गंवार लोगों को आपने अपनी शादी में बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते। 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 आपने पूरे गांव को बुलाया लेकिन हमें नहीं बुलाया, शादी देखने का मन था इसीलिए आ गए। गलती से आपका दिल दुखा हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि हम तुम्हें बुलाना ही भूल गए, पर आप सब लोग आए हमें बहुत अच्छा लगा। आइए ना, आइए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। आरती लेकर आओ। मेघा बेटी जरा यहां होगी। कल शादी के बाद प्रसाद देना होगा ना, इसीलिए पैक कर रही थी। एक बात कहूंगी तो सुनोगी क्या? कहिए। भगवान के लिए तुम यहां से चली जाओ, तुम्हें देखकर अगर कहीं वो बदल गया तो वो सिर्फ नाम का दूल्हा है, उसकी शक्ल पर बिल्कुल भी खुशी नजर नहीं आ रही, जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा, ऐसा मुझे डर लग रहा है। शादी देखकर कल सुबह ही चली जाऊंगी, जब वो मंगलसूत्र बांध देंगे उसके बाद एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। मंगलसूत्र की छोड़ो, तुम्हारे रहते वो सहरा भी नहीं पहनेगा, अगर ये शादी रुक गई ना तो उसका कारण तुम होगी। नहीं माँ जी, ये शादी नहीं रुकनी चाहिए, हम चले जाते हैं। Thank you.
हमारे घर के आंगन में भी रंगोली है कल्याण। कल्याण जी आए हैं क्या? हाँ आए हैं। शादी का क्या हुआ? पता नहीं। कहाँ पर है? नदी किनारे है। ये क्या है जी? वहां पर आपकी शादी है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शादी का क्या हुआ? मना कर दिया। कल सुबह शादी का मुहूर्त है, लड़की पसंद नहीं है, शादी नहीं करनी, अभी ऐसा कह रहा है? मुझे मेघमाला ही पसंद है माँ। देख वो सब भूल कर इस लड़की से शादी करेगा या नहीं? प्यार करने के बाद हम अपने आप को भूल जाते हैं, तो प्यार करने वाले को कैसे भूल सकते हैं? मुझे ये शादी पसंद नहीं है। अगर इस चक्कर में मैं जहर खा करके मर जाता तो आप छाती पीट कर रोती। मैं आपके सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ कि मुझे ये शादी पसंद नहीं है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ आप मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है? देखिए जी, आखिरी वक्त पर ये कह रहा है कि अभी शादी नहीं करूंगा। ये शादी उन्हें पसंद नहीं है, उन्होंने पहले ही कहा था, लेकिन आपने ये बात हमसे छुपाई थी। आपके लड़के ने मेरे घर आकर सब कुछ बता दिया था। मैंने सबको इनविटेशन कार्ड दे दिया है, सारे मेहमान भी आ गए हैं। अगर ऐसे अचानक शादी रुक गई तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा, यही चिंता मुझे हो रही है। इसीलिए हमने अपनी लड़की के लिए एक और लड़का देख रखा था। सिर्फ दूल्हा ही बदल जाएगा, लेकिन शादी हमने जो तय किया है वैसे ही होगी। और हमारी बेटी भी बहुत खुश है। शादी में दहेज कम दिया है ये बोलकर शादी के मंडप से उठने के लिए बोला है, आपका बेटा रियली ग्रेट है। हाँ हाँ, इतने दिन से तेरे घर वाले कहाँ है तू पूछ रहा था ना, देख वो टाइम आ गया है। हाँ हाँ, कल सुबह ही है शादी। अरे नहीं यार, अचानक से फिक्स हो गई, आ जाना। हाँ भाई, बचपन में हम लोग साथ में खेले, साथ में खाना खाया, साथ साथ बड़े हुए। आपके प्यार के लिए मैं अपनी तरफ से यही कर सकता हूं। आपके माँ बाप ने आपको बड़ा किया है, उनको तकलीफ देकर आपको खुशी मिली, आपके लिए उन्होंने कितने सपने देखे, ऐसा क्यों किया आपने? प्यार के खातिर। प्यार कोई खिलौना नहीं जो पसंद नहीं आया, जब मन भर गया तो तोड़ कर फेंक दिया। सूरज तो रोज निकलता है और फिर डूब जाता है, लेकिन प्यार वैसा नहीं होता, एक ही बार होता है और जिंदगी भर रहता है। आपको तो पता ही होगा ना, हमें जिस जगह जाना होता है वहां ट्रेन नहीं जाती तो हम बस पकड़ कर जाते हैं, अगर बस नहीं मिली तो टैक्सी से चले जाते हैं, और अगर जिससे मिलने जाना है अगर वो वहां पर नहीं मिला तो कहीं और चले जाते हैं। प्यार भी वैसा ही है मेघमाला, जो हम दोनों को नहीं मिल सकता, इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी और को अपना ले। आपके लिए जो खुशी थी उसे खोकर आप अंधेरे में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। खोई हुई चीज खोई हुई जगह पर ढूंढने के अलावा रोशनी में कहीं और ढूंढ सकते हैं क्या? मतलब जिंदगी भर आप अकेले ही रहेंगे? मैं क्यों अकेला रहूं? मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं वो मेरे घर के सामने ही है, मैं उसे देखकर पूरी जिंदगी जी लूंगा। देखते हुए जी लूंगा, यादों में ही जिंदगी बिता लूंगा, ये सब सुनने में ही अच्छा लगता है। असली जिंदगी में भी अच्छा लगता है, उसका एक उदाहरण तुम ही हो। जो इस दुनिया में नहीं है उस इंसान की याद में आप जी सकती हैं, तो फिर मैं जिससे प्यार करता हूं तो क्या मैं नहीं जी सकता? एक लड़की के लिए उसका प्यार, वो इंसान मरने के बाद भी जिंदा रहता है,
लेकिन एक लड़के का प्यार पसंद की लड़की नहीं मिली बोलकर मर जाएगा क्या? ऐसी ही है ना आपकी राय? खाने के लिए अनाज नहीं है ऐसा बोलकर कोई माँ अपने बच्चे को नहीं फेंकती, छाती पर रखकर पालती है। मेरा प्यार भी वैसा ही है, देख सकता हूं, मिल नहीं सकता, पसंद है लेकिन साथ में जी नहीं सकते, इसलिए मैं अपने प्यार को निकालकर फेंक दूंगा। लड़कों में भी दिल होता है, वैसे भी अगर शादी हो भी गई तब भी मैं आपसे प्यार करता रहूंगा, और शादी के बगैर अकेला रहूं तो भी क्या, हा? आपका मेरा रिश्ता ही क्या है, बस इन आंखों को छोड़कर। ये आंखें आपके लिए जान है, इन आंखों को आप पसंद करती हैं, ये आंखें किसी और को भी देखती हैं, तो क्या ये उसे अपना लेंगी बताओ? आंखों से देखना और मन का पसंद करना दोनों क्या एक नहीं है? आंखों को ना नजर आने वाले और आपकी बात को ना सुनने वाले को आप हजार बार आई लव यू कह के बुला सकती हैं, तो मेरे सामने खड़ी हुई लड़की को कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? तुम्हें मुझसे प्यार करने की जरूरत नहीं, याद करने की भी जरूरत नहीं, रास्ते पर सिर झुकाकर चलने वाली और मेरी आंखों को देखने के लिए तुम अपने इस सिर को उठाती थी ना, इतना ही काफी है। वो एक नजर, उस नजर को देखकर पूरी जिंदगी गुजार लूंगा मैं। लोग कहते हैं प्यार की आंखें नहीं होती, लेकिन मेरे प्यार के पास आंखें, सिर्फ आंख है। एक मिनट, हेलो, आप रो क्यों रही हैं? देखिए आप चिंता मत करिए, आप जिन आंखों को प्यार करती हैं मैं उसे प्यार से संभाल कर रखूंगा, और इन्हें देखकर तुम खुश रहना, अगर आप खुश रहेंगी तो मैं खुश रहूंगा, और इसी खुशी को हम दोनों आपस में बांट लेंगे। ओके,